हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग एक प्रोजेक्ट करने वाले हैं, मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट। हम लोग इस वीडियो में बनाएंगे एक मूवी रिकमेंडर सिस्टम। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो माय प्लान इज कि हम लोग एक एंड टू एंड प्रोजेक्ट करेंगे। मतलब हम लोग एक डेटा सेट को उठाएंगे, उसके ऊपर मॉडल बिल्ड करेंगे, उसको एक वेबसाइट में कन्वर्ट करेंगे और उसको सर्वर पे डिप्लॉय भी करेंगे, ठीक है? सो दैट आपको पूरा का पूरा मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं उसका एक्सपीरियंस हो, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा थ्योरी बात कर लेते हैं कि एग्जैक्टली क्या होता है रिकमेंडर सिस्टम। सो अगर आपको याद होगा, अभी भी अगर आप कभी बाहर जाते हो ऑफलाइन शॉपिंग करने, तो आपका टिपिकल शॉपिंग का फ्लो कैसा होता है? आप दुकानदार के पास जाते हो, दुकानदार आपको कुछ चीजें दिखाता है। लेट्स से हम किसी कपड़े की बात कर रहे हैं, ठीक है? लेट्स से यू आर परचेजिंग अ पेयर ऑफ जीन्स। सो जीन्स खरीदने के प्रोसेस में दुकानदार आपको कुछ जीन्स दिखा रहा है और फिर आप उनमें से किसी एक को पिक करके आप दुकानदार को बोलते हो कि इस तरह का भैया कुछ और दिखाइए, और फिर दुकानदार उस टाइप की और चीजें दिखाता है। ये ऑफलाइन सेटिंग में इसी को आप रिकमेंडर सिस्टम बोल सकते हो, ठीक है? वहां पे उस सेल्समैन को नॉलेज है प्रोडक्ट्स का, प्रोडक्ट्स की सिमिलैरिटी का, तो वो ये चीज देख करके आपको प्रोडक्ट रिकमेंड कर रहा है, ठीक है? वही जब आप ऑनलाइन सेटिंग में आते हो तो आपके पास मशीन लर्निंग होता है एज अ सेल्समैन, जो क्या करता है, आपके ब्राउज किए हुए प्रोडक्ट के हिसाब से आपको रिकमेंडेशंस देता है, बिकॉज उसको आइडिया होता है कि जो प्रोडक्ट आप देख रहे हो उससे सिमिलर प्रोडक्ट्स डेटाबेसेस में कहां पर हैं या कौन से हैं, ठीक है? अब आज की डेट में वेयर ई-कॉमर्स इज बूमिंग, आज की डेट में हम लोग ऑनलाइन बहुत सारी शॉपिंग करते हैं, उस सिनेरियो में रिकमेंडेशन सिस्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्योंकि इमेजिन करो, अगर आप अमेज़न की बात करो तो अमेज़न सेज कि उनके पास 6 करोड़ प्रोडक्ट्स हैं इंडिया में, ठीक है? फ्लिपकार्ट के पास भी करोड़ में प्रोडक्ट्स होंगे, मिंत्रा के पास भी करोड़ में प्रोडक्ट्स होंगे। तो वैसे में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका कस्टमर खो ना जाए, राइट? उसको वो मिलना चाहिए बहुत जल्दी जिसको खोजने के लिए वो कस्टमर आपके पास आया था, राइट? तो इस तरह के सिस्टम्स में रिकमेंडर सिस्टम हेल्प करते हैं, ठीक है? आपको पहले कुछ प्रोडक्ट्स दिखाए जाते हैं और उनमें से आप जिस चीज को पसंद कर रहे हो, आपका रिकमेंडर सिस्टम क्या करता है, वो चीज को डेटाबेस से खोज के निकाल देता है। और रिकमेंडर सिस्टम जितना अच्छा होगा, आपका जो कन्वर्जन फैक्टर होता है कि शॉपिंग होगी, लोग पेमेंट करेंगे, वो भी उतना ही बढ़िया होगा, ठीक है? अब आज की डेट में रिकमेंडर सिस्टम्स हर जगह यूज हो रहे हैं। इफ यू टॉक अबाउट ई कॉमर्स, वहां पर तो है ही। अगर आप गाने वगैरह सुनते हो तो Gaana.com और Spotify और सावन, वहां पे भी यूज हो रहा है। YouTube में भी रिकमेंडर सिस्टम यूज हो रहे हैं। आपके पास Facebook, Instagram में भी रिकमेंडर सिस्टम यूज हो रहे हैं। अगर आप नेटफ्लिक्स का बात करो, वहां पर भी आपको कौन सी मूवी देखनी चाहिए, कौन सी मूवी नहीं देखनी चाहिए, इसके लिए नेटफ्लिक्स ने एक रिकमेंडर सिस्टम बनाया है। इनफैक्ट उन लोगों ने तो कुछ साल पहले कॉम्पिटिशन भी करवाया था, जहां पर दे वर विलिंग टू पे मोर देन करोड़ रुपीज, जो भी टीम उनके रिकमेंडर सिस्टम को थोड़ा इम्प्रूव कर पाए, ठीक है? तो इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो इंटरनेट की अभी जो इकोनॉमी चल रही है, जहां पर आप टीवी पे अगर 10 एड्स देखते हो, उनमें से 8 एड्स ऑनलाइन एप्स और वेबसाइट्स के हैं, वहां पर रिकमेंडर सिस्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्योंकि अगर आप ऑनलाइन स्पेस का बात करो तो प्रोडक्ट्स रखने की जगह में कोई कमी नहीं है। एक फिजिकल दुकान में क्या प्रॉब्लम होती है कि आप एक सामान का लिमिट होता है, उससे ज्यादा आप उस दुकान में नहीं घुसा सकते। ऑनलाइन स्टोर में ये प्रॉब्लम नहीं है। ऑनलाइन स्टोर में आप सर्वर्स बढ़ा लो, आप कितना भी सामान ऐड कर सकते हो, बिकॉज एट द एंड इट इज जस्ट अ वेब पेज, राइट? डेटाबेस में एक एक्स्ट्रा एंट्री। तो ये प्रॉब्लम नहीं है कि कितना सामान रखना है, प्रॉब्लम ये है कि सामान को सही तरीके से दिखाना कैसे है, और वहां पर रिकमेंडर सिस्टम्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, ठीक है? तो कंपनीज को तो ये बहुत चाहिए, मतलब कंपनीज दे लव रिकमेंडर सिस्टम्स। और अगर आप एक स्टूडेंट हो या फिर आप एक बंदे हो जो जॉब स्विच करना चाह रहे हो इनटू द मशीन लर्निंग डोमेन, तो आपके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपके पोर्टफोलियो में एटलीस्ट एक प्रोजेक्ट हो जहां पे आपने रिकमेंडर सिस्टम्स बनाए हैं, ठीक है? तो ये प्रोजेक्ट आपके लिए वो पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट का काम कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर मैं एंड टू एंड आपको एक रिकमेंडर सिस्टम बना के दिखाऊंगा। हम जो रिकमेंडर सिस्टम बनाएंगे वो मूवीज के डेटा के ऊपर होगा, बट आप इसको बहुत ईजिली
बुक्स के ऊपर डाल सकते हो, सॉन्ग्स के ऊपर डाल सकते हो, किसी भी चीज के ऊपर डाल सकते हो, डिपेंड्स ऑन द डेटा सेट। जो आइडिया है वो सेम रहेगा और आउटपुट आप डेटा के हिसाब से चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो विद दैट इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिकमेंडर सिस्टम्स, ठीक है। रिकमेंडर सिस्टम के कुछ टाइप होते हैं, हम पहले वो पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम लोग डेटा वगैरह अपना देखेंगे कि कैसा डेटा है। सो लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ रिकमेंडर सिस्टम्स। तो गाइज, इफ यू ब्रॉडली क्लासीफाई, तो आपके पास दो टाइप के रिकमेंडर सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। मैं उन दोनों का नाम पहले आपको बताता हूँ और फिर मैं उनका डिस्क्रिप्शन आपको बताऊंगा। सबसे पहला जो टाइप होता है उसको हम बोलते हैं कंटेंट बेस्ड, कंटेंट बेस्ड। और जो सेकंड वाला होता है उसका नाम होता है कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग बेस्ड, कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग बेस्ड। दीज आर द टू मेन टाइप्स। एक थर्ड टाइप भी होता है जिसको हम हाइब्रिड बोलते हैं। ये तीनों हम लोग अभी पढ़ेंगे। सो कंटेंट बेस्ड जो रिकमेंडर सिस्टम होता है, आपको आई गेस नाम से भी समझ में आ रहा है, वो एक ऐसा रिकमेंडर सिस्टम है जो कंटेंट की सिमिलैरिटी के बेसिस पे कंटेंट रिकमेंड करता है, ठीक है। मतलब बहुत सिंपल है, अगर आप एक गाना सुन रहे हो, लेट्स से आप गाना सुन रहे हो, कोई रोमांटिक गाना सुन रहे हो, तो अगले जो गाने होंगे वो भी रोमांटिक ही होंगे, मतलब सेम टाइप के ही गाने होंगे। ऐसा नहीं होगा कि सडनली से आपको आई डोंट नो गानों के टाइप्स बहुत ज्यादा, बट कुछ बहुत डिससिमिलर चीज आपको रिकमेंड नहीं की जाएगी, आपको सिमिलर कंटेंट रिकमेंड किया जाएगा। यूट्यूब पे अगर आप क्रिकेट के वीडियोस देख रहे हो तो आपको म्यूजिक वीडियोस रिकमेंड नहीं किए जाएंगे, आपको क्रिकेट या फिर स्पोर्ट्स रिलेटेड वीडियोस ही रिकमेंड किए जाएंगे, ठीक है। नाउ दिस इज कॉन्टेंट बेस्ड रिकमेंडर सिस्टम, ठीक है, विच रिकमेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ कॉन्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर टैग्स वगैरह क्रिएट किए जाते हैं चीजों के, और उन टैग्स की सिमिलैरिटी के बेसिस पे आप क्या करते हो, आप रिकमेंडेशन करते हो, ठीक है। द सेकेंड वन इज स्लाइटली ट्रिकियर, इसको बोला जाता है कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग, और ये यूजर के इंटरेस्ट के बेसिस पे आपको कंटेंट रिकमेंड करता है, ठीक है। मैं आपको एक सिनेरियो देता हूँ। लेट्स से हमारे पास दो यूजर्स हैं, ए और बी, और उनके बिहेवियर के वजह से हमें पता है कि दे आर वेरी सिमिलर, मतलब उनका सिमिलैरिटी स्कोर इज 0.9, लेट्स से दे आर वेरी सिमिलर, ठीक है। और ये हमें कैसे पता चलता है, बिकॉज उन दोनों ने लेट्स से एक जैसी मूवीज देख करके, मतलब सेम मूवीज के ऊपर उनका जो रेटिंग था वो बहुत सिमिलर था, मतलब हमने उसको एक मूवी दिखाई लेट्स से थ्री इडियट्स, तो उन दोनों ने बोला कि अच्छी मूवी है, रेटिंग अच्छी है दिया। हमने कोई और मूवी दिखाई तो इन दोनों ने ही बोला कि खराब मूवी है। तो इस तरीके से हमें पता चल पाएगा कि दो यूजर सिमिलर हैं या डिससिमिलर हैं, ठीक है। अब यूजर ए ने एक और मूवी देख ली, M2। अब सिंस मुझे पता है कि ए और बी बहुत सिमिलर हैं और ए को M2 पसंद आया, तो मैं बी को भी M2 एज इन मूवी 2 रिकमेंड कर दूंगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग बेस्ड रिकमेंडर सिस्टम्स, जहां पर आप यूजर्स के सिमिलैरिटी के बेसिस पे कंटेंट रिकमेंड करते हो। पहला वाला कंटेंट की सिमिलैरिटी पे था, यहाँ पे आप यूजर की सिमिलैरिटी पे डिपेंड करते हो। ये कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग आपने देखा होगा फेसबुक वगैरह में। सो अगर आपके दोस्तों को कोई न्यूज फीड पसंद आ रही है, जैसे आपके किसी फ्रेंड का प्लेसमेंट हुआ, उसने फेसबुक पे डाला, तो आपके फ्रेंड्स रिएक्ट कर रहे हैं, तो सिंस आपके फ्रेंड्स और आप बहुत सिमिलर हो और आपके फ्रेंड्स को वो पोस्ट पसंद आ रहा है या उस पर रिएक्ट कर रहे हैं, तो वो पोस्ट फिर आपको भी दिखाया जाएगा, ठीक है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग बेस्ड रिकमेंडर सिस्टम, ठीक है। थर्ड जो होता है वो होता है हाइब्रिड, जो इन दोनों अप्रोचेस को मिलाता है, ठीक है। सो मेरे को जितना लगता है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, बट 2-3 साल पहले यूट्यूब का जो रिकमेंडेशन था दैट वॉज कॉन्टेंट बेस्ड, कॉन्टेंट जो वीडियो आप देख रहे हो वैसे ही वीडियोज आपको दिखाए जाते थे। बट रिसेंट ईयर्स में क्या हुआ है कि उन लोगों ने मेरे को लगता है हाइब्रिड में स्विच किया है, अब वो कंटेंट बेस्ड प्लस कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग दोनों मिला करके हमें दिखाते हैं। सो मैं जो वीडियो देख रहा हूँ उससे सिमिलर वीडियोस भी मिलेंगे, मेरे जैसे लोग जो वीडियोस देख रहे हैं वो वीडियोस भी मिलेंगे, ठीक है। तो दिस इज अ हाइब्रिड अप्रोच। आज के डेट में जो बड़ी कंपनीज हैं वो अपने हिसाब से हाइब्रिड अप्रोच यूज कर रही हैं, बट अगर आप छोटी कंपनीज का बात करो या स्टार्टअप्स का बात करो, तो दे मोस्टली डू ईदर कंटेंट बेस्ड या फिर कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग।
अब क्वेश्चन ये है कि हम कौन सा करने वाले। इस प्रोजेक्ट में वी आर गोइंग टू यूज कंटेंट बेस्ड रिकमेंडर सिस्टम, ठीक है। कंटेंट की सिमिलैरिटी के बेसिस पे हम मूवीज रिकमेंड करेंगे, ठीक है। मैं एक और प्रोजेक्ट बनाऊंगा कुछ दिनों के बाद, वहां पे मैं आपको कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग कैसे करता है काम उसके ऊपर मैं आपको एक प्रोजेक्ट कराऊंगा, ठीक है। और अगर फ्यूचर में भी टाइम मिलता है तो हम एक थर्ड वीडियो भी बना सकते हैं जहां पे हम दोनों अप्रोचेस को मिला के एक हाइब्रिड रिकमेंडर सिस्टम बनाए। बट इन शॉर्ट अगर हम समराइज करें तो देर आर थ्री टाइप्स, कंटेंट बेस्ड जो कंटेंट की सिमिलैरिटी पर रिकमेंड करता है, कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग बेस्ड जो यूजर्स के इंटरेस्ट के बेसिस पर रिकमेंड करता है, और हाइब्रिड जो इन दोनों अप्रोचेस को जोड़ता है, ठीक है। सो इन एंड वी आर गोइंग टू बिल्ड अ कंटेंट बेस्ड रिकमेंडर सिस्टम, ठीक है। तो या दैट्स इट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द प्रोजेक्ट फ्लो, हम पूरा प्रोजेक्ट किस तरीके से करने वाले हैं। तो गाइस जल्दी से हम लोग एक बार प्रोजेक्ट का पूरा फ्लो डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज आई फर्मली बिलीव कि अगर आप कभी भी कोई भी प्रोजेक्ट करते हो तो आपको हमेशा एक हाई लेवल ओवरव्यू होना चाहिए चीजों का कि आप क्या करने वाले हो नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, विल स्टार्ट विद द डेटा। ऑब्वियसली मशीन लर्निंग में एवरीथिंग स्टार्ट्स विद डेटा। डेटा के ऊपर हम लोग सबसे पहले प्री प्रोसेसिंग करेंगे, बिकॉज सिंस मैंने पहले से इसके ऊपर काम कर रखा है, मुझे पता है इस डेटा में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो हम लोग प्री प्रोसेसिंग करेंगे। प्री प्रोसेसिंग मतलब डेटा को अपने हिसाब से रेडी करना अपने पर्पस के लिए। उसके बाद हम मॉडल बिल्डिंग करेंगे, हम लोग एक मॉडल बनाएंगे मशीन लर्निंग मॉडल। उसके बाद हम उस मॉडल को एक वेबसाइट में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद हम उस वेबसाइट को डिप्लॉय करेंगे। सो ब्रॉडली यही चार स्टेजेस हैं। स्टेज वन इज प्री प्रोसेसिंग, स्टेज टू इज मॉडल बिल्डिंग, स्टेज थ्री है उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना, और स्टेज फोर में है उसको सही से डिप्लॉय करना, ठीक है। तो चार स्टेजेस में पूरा प्रोजेक्ट डिवाइडेड है। एंड ऑब्वियसली थोड़ा लंबा वीडियो होगा बिकॉज ये सारे स्टेजेस करने में टाइम लगेगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द डेटा फर्स्ट, लेट्स सी हमारे पास जो डेटा है क्या है और कैसा दिखता है। so, इस प्रोजेक्ट के लिए मैंने जो डेटा चूज किया है वो ये डेटा है, TMDB 5000 मूवी डेटा सेट, ठीक है। ये मुझे सबसे अप्रोप्रिएट लगा बिकॉज यहाँ पे डेटा के अंदर काफी कुछ है जो कंटेंट के बेसिस पे सिमिलैरिटी बता पाए, ठीक है। सो मैं आपको पहले एक बार डेटा दिखा देता हूँ। सो यहाँ पर हमारे पास दो डेटा सेट्स हैं, एक है मूवीज का डेटा सेट जहाँ पे हमारे पास काफी सारे कॉलम्स हैं। ये कॉलम्स हैं हमारे पास, बजट, जॉनर, होम पेज, आईडी, कीवर्ड्स एक्सेट्रा, बेसिकली एक मूवी के बारे में जो भी डेटा हो सकता है वो डेटा हमारे पास है। क्रेडिट्स में दो चीजें हैं, कास्ट एज इन कौन से लोगों ने काम किया मूवी के अंदर, एक्टर्स बेसिकली, और क्रू जो बिहाइंड द सीन कैमरा के पीछे जो लोग काम करते हैं, डायरेक्टर, एडिटर, म्यूजिक डायरेक्टर, इन सब लोगों का नाम यहाँ पर है। तो इन शॉर्ट एक मूवी के बारे में जितना भी डेटा आपको चाहिए, मेटा डेटा चाहिए मूवी के बारे में, जो भी डेटा चाहिए वो हमारे पास इस डेटा सेट में अवेलेबल है फॉर 5000 मूवीज, ठीक है। तो दिस डेटा सेट इज अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट। और भी बड़े डेटा सेट्स अवेलेबल थे कैगल के ऊपर, बट अपने रिक्वायरमेंट के लिए मुझे ये डेटा सेट सबसे सही लगा। आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले इस डेटा सेट को डाउनलोड करना है। तो मैं इसको डाउनलोड पे लगा रहा हूं। सो या डेटा डाउनलोड हो गया, और मैं एक काम कर रहा हूं फिलहाल इस डेटा सेट को, पहले ये वाला डेटा सेट को मैं एक्सट्रैक्ट कर रहा हूं टू my desktop actually. I'll extract it to my desktop. ठीक है। Second जो मेरे पास data है वो है movies वाला, तो मैं movies वाले को भी download कर लेता हूँ और इसको भी मैं desktop पे extract कर रहा हूँ। तो guys data तो download हो चुका है, अब मैंने Jupyter notebook open कर लिया है, मैंने एक folder बना लिया machine learning projects, और उसके अंदर मैंने एक और फोल्डर बना लिया मूवी रिकमेंडर सिस्टम। अब मैं इस फोल्डर के अंदर जा रहा हूं, और यहां पर व्हाट आई विल डू इज आई विल फर्स्ट अपलोड माय डेटा सेट्स। सो आई विल गो टू डेस्कटॉप, और वहां पर मेरे पास डेटा सेट होगा
ये रहे वो दोनों डेटा सेट्स, इन दोनों को मैं अपलोड कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा, और ये दोनों डेटा सेट्स अपलोड हो गए। और अब मैं एक नया पाइथन नोटबुक बना रहा हूँ जिसके ऊपर मैं पूरा मॉडल बिल्डिंग करूंगा। आई जस्ट रीनेम दिस नोटबुक टू मूवी रिकमेंडर सिस्टम। और यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल इंपोर्ट टू लाइब्रेरीज, नंपाई एंड पैंडास। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों डेटा सेट्स को इंपोर्ट कर लेंगे और उसके बाद हम लोग उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे जो हमें रिक्वायर्ड है। सो आई विल क्रिएट अ डेटा सेट, अ डेटा फ्रेम बाय द नेम ऑफ मूवीज, और यहाँ पे मैं लिखूंगा pd.read.csv, और हमें चाहिए है tmdb मूवीज वाला, और credits is equal to pd.read.csv, और यहाँ पे हमें चाहिए tmdb credits वाला, और import हो गया। अब मैं आपको पहला डेटा फ्रेम दिखाता हूँ movies.head करके। सो यू कैन सी दिस इज द डेटा फ्रेम। काफी चीजें हैं यहाँ पे, मतलब अगर आप एक सिंगल मूवी का बात करो, मैं आपको सिर्फ एक मूवी दिखाता हूँ, तो यू कैन सी एक मूवी से रिलेटेड काफी चीजें यहाँ पर हैं। सबसे पहले हमारे पास है मूवी का बजट, हमारे पास है मूवी के जॉनर्स, ठीक है, जॉनर मतलब किस टाइप की मूवी है, होम पेज मूवी का, अगर कोई वेबसाइट है तो उसका होम पेज, मूवी का IMDb ID, सो IMDb नहीं TMDb, सो TMDb अगर आपको नहीं पता है तो इट्स अ वेबसाइट जस्ट लाइक IMDb, और मूवीज का डेटाबेस है ये बेसिकली। तो इस वेबसाइट के डेटाबेस में इस मूवी का आईडी क्या है वो यहाँ पे रिप्रेजेंटेड है, ये हमें बाद में काम आएगा, इट्स एन इम्पॉर्टेंट कॉलम, ठीक है। नेक्स्ट इज कीवर्ड्स। सो कीवर्ड्स में मूवी का डिस्क्रिप्शन है, मतलब मूवी किस टाइप की है, जैसे पहली मूवी अवतार है तो कीवर्ड्स होंगे स्पेस, साईफाई, एलियंस, ये सब कीवर्ड्स होंगे क्योंकि उस मूवी में इस तरह की चीजें ही हैं, ठीक है। ओरिजिनल लैंग्वेज ऑफ द मूवी, ओरिजिनल टाइटल ऑफ द मूवी, सो कभी कभी दूसरे लैंग्वेज की मूवीज होती हैं तो वो किसी और टाइटल में हो सकती हैं, जैसे हिंदी मूवीज का टाइटल हिंदी हो सकता है तो ओरिजिनल टाइटल हिंदी टाइटल हो गया। ओवरव्यू ऑफ द मूवी, एक शॉर्ट पैराग्राफ समरी ऑफ द मूवी, ठीक है, एक पैराग्राफ में बता दिया मूवी किस चीज के बारे में है। पॉपुलैरिटी ऑफ द मूवी, इट इज अ नंबर। प्रोडक्शन कंपनीज, सो अलग अलग प्रोडक्शन कंपनीज हैं, सो जैसे शाहरुख खान की कंपनी का नाम रेड चिलीज है, उस तरह से आपने और सुना होगा पिक्सार स्टूडियो सुना होगा एनिमेशन मूवीज के लिए, तो प्रोडक्शन कंपनीज आर देयर। वी ऑल्सो हैव प्रोडक्शन कंट्रीज, मूवी कहाँ कहाँ पे शूट हुई है, ठीक है। रिलीज डेट, मूवी कब रिलीज हुई है, रेवेन्यू कितना कमाया है मूवी ने, रन टाइम कितने ड्यूरेशन की मूवी है मिनट्स में, स्पोकन लैंग्वेजेस मूवी में कौन कौन से लैंग्वेजेस बोले गए हैं, स्टेटस ऑफ द मूवी रिलीज्ड है या रूमर्ड है आने वाली है, टैगलाइन ऑफ द मूवी, कभी कभी मूवीज का टैगलाइन होता है, ओरिजिनल टाइटल नहीं इंग्लिश वाला टाइटल, ठीक है, वोट एवरेज एंड वोट काउंट, काफी सारी चीजें, मतलब हम अभी इनमें सारी चीजों को नहीं रखेंगे, विल हैव अ डिस्कशन और हम कुछ चीजों को हटा देंगे, कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को रख लेंगे, बट उसके पहले आई विल शो यू कि क्रेडिट्स वाले डेटा फ्रेम के अंदर क्या है वो भी एक बार देख लेते हैं। सो अगर आप देखो यहाँ पे चार कॉलम्स हैं, मूवी आईडी और टाइटल ऑफ द मूवी, कास्ट ऑफ द मूवी, सो कास्ट ऑफ द मूवी में आपके पास जितने भी एक्टर्स ने काम किया है उस मूवी के अंदर उन सब का डिस्क्रिप्शन है। इनफैक्ट मैं आपको दिखाता हूँ, अगर हम इसके अंदर से कास्ट को निकालें तो दिस इज द कास्ट, इसकी अगर हम वैल्यूज को निकालें तो यू कैन सी दिस इज द कास्ट, सो जितने भी एक्टर्स उस मूवी में काम किए हैं उन सब का कैरेक्टर का नाम और एक्चुअल एक्टर का जो नाम है वो लिखा हुआ है, तो दैट इज वाई ये एक बहुत बड़ा डेटा है, ठीक है। सेम गोज विथ क्रू, क्रू भी बहुत बड़ा आएगा, यू कैन सी यहाँ पे एडिटिंग है, प्रोडक्शन डिजाइन है, सुपरवाइजिंग साउंड एडिटर है, प्रोडक्शन है,
राइटर है, बहुत सारे जितने भी काम होते हैं एक मूवी को बनाने में, उन सब का डिस्क्रिप्शन और किसने वो काम किया वो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो इन शॉर्ट काफी कुछ है हमारे पास। हमें इनमें से दो चीजों की तो जरूरत पड़ने वाली है, कास्ट की जरूरत पड़ेगी और हमें क्रू की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब सबसे पहला स्टेप ये है इस प्रोजेक्ट में कि ये दोनों, हमारे पास दो अलग डेटा फ्रेम्स हैं और दोनों में सेम मूवी के बारे में डेटा है। तो हम लोग सबसे पहले तो एक काम करेंगे और वो काम ये है कि हम इन दोनों डेटा फ्रेम्स को मर्ज करेंगे। ठीक है, मुझे दो अलग डेटा फ्रेम्स नहीं चाहिए बिकॉज हेक्टिक है। दोनों को जोड़ते हैं एक सिंगल डेटा के बारे में, हम आगे से बात करेंगे। ठीक है, तो जोड़ना बहुत सिंपल है, हम दो चीजों के बेसिस पे जोड़ सकते हैं, मूवी आईडी के बेसिस पे जोड़ सकते हैं और टाइटल के बेसिस पे भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं टाइटल के बेसिस पे मर्ज कर रहा हूँ दोनों डेटा फ्रेम्स को। आई होप आपको डेटा फ्रेम्स को मर्ज करना आता है। आपको सिंपली लिखना होता है मूवीज, आपका पहला डेटा फ्रेम डॉट मर्ज, किसके साथ मर्ज करना है, क्रेडिट्स के साथ, और किस कॉलम के बेसिस पे करना है, टाइटल के बेसिस पे करना है। अब आप जैसे इसको रन करोगे आपके पास जो शेप आएगा डेटा का वो है 23 कॉलम्स। ठीक है, सही भी है, आपके पास मूवीज जो था उसका शेप था 20 और आपके पास जो क्रेडिट्स था उसका शेप था 4, तो टोटल होना चाहिए था 24, बट सिंस आपने टाइटल के बेसिस पे ज्वाइन किया है तो टाइटल दोबारा ऐड नहीं होगा इसलिए 23 कॉलम्स आ रहे हैं। सो एक काम करते हैं, हम मूवीज को रीअसाइन कर देते हैं, मूवीज में मर्ज करके जो नया डेटा फ्रेम बनेगा वो मूवीज नाम से ही रहेगा। ठीक है, लाइक दिस। सो अब दिस इज मूवीज डॉट हेड लाइक दिस। ठीक है, एंड में जाकर के यू वुड सी कि ये जो मूवी आईडी आ रहा है और ये जो कास्ट आ रहा है और ये जो क्रू आ रहा है ये हमारे सेकेंड डेटा फ्रेम से आ रहा है। ठीक है, सो नाउ एक टेंशन तो खत्म हो गई। अब अगला जो डिस्कशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पे हम क्या करेंगे, हम उन कॉलम्स को हटा देंगे जो हमारे एनालिसिस में काम नहीं आने वाले। सो गाइस नाउ लेट्स हैव अ डिस्कशन कि कौन से कॉलम्स को रखना है और कौन से कॉलम्स को नहीं रखना है। मैं जो भी कॉलम्स को हम लोग रखेंगे उनका एक लिस्ट बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे कॉलम्स है, देयर आर 23 कॉलम्स, भूल जाएंगे इसलिए। सो आपको करना क्या है, नटशेल में आपको कॉन्टेंट बेस्ड रिकमेंडर सिस्टम बनाना है, मतलब आपको काइंड ऑफ हर मूवी के लिए टैग्स क्रिएट करने हैं। सो अब आपको बस खुद से क्वेश्चन पूछना है कि ये जो कॉलम है मेरे पास क्या ये टैग्स क्रिएट करने में मुझे हेल्प करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, सो पहला है बजट। सो बजट इफ यू थिंक इज नॉट अ यूजफुल कॉलम, बिकॉज सोच के देखो अगर किसी मूवी का बजट हाई है और आपको वो मूवी पसंद आई तो इट डज नॉट मीन कि दूसरी मूवीज जिनका बजट हाई है वो भी आपको पसंद आएंगी। मुझे इंसेप्शन बहुत पसंद आई थी, इट डज नॉट मीन कि मुझे डीसी की मूवीज पसंद आ रही है। ठीक है, मतलब बजट हाई होना इज नॉट अ क्राइटेरिया कि आप उसके बेसिस पे रिकमेंडेशन करो, तो बजट हम हटा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज जॉनर। जॉनर एक्चुअली इंपॉर्टेंट कॉलम है क्योंकि आपने अगर नोटिस किया होगा आपके दोस्तों से अगर आपने बात की होगी तो आपके दोस्त या हम इस तरीके से बात करते हैं कि यार मुझे हॉरर मूवीज बड़ी पसंद है। सो उस बंदे को सच में वो जॉनर पसंद है, मतलब आप उस जॉनर में उसको अलग अलग मूवीज दिखा दो वो बैठ करके देख लेगा। साईफाई पसंद है, ठीक है, ड्रामा पसंद है, थ्रिलर पसंद है, तो जॉनर इज एन इंपॉर्टेंट कॉलम। सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जॉनर हम रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज होम पेज। ऑब्वियसली किसी वेबसाइट का, किसी मूवी के वेबसाइट का होम पेज क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वी आर गोइंग टू ड्रॉप इट। आईडी मैंने आपको बताया था आगे हमें काम आएगा, कब काम आएगा, एकदम लास्ट में जब हम वेबसाइट बनाने जाएंगे तो वहां पे हमें जो पोस्टर्स चाहिए होंगे ना मूवी के, मैंने आपको दिखाया था टीजर वीडियो में कि मूवी के पोस्टर्स भी दिखाए जा रहे थे, तो वो हमें आईडी के थ्रू फेच करने होंगे, तो दैट इज व्हाई आईडी इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज कीवर्ड्स। सो कीवर्ड्स होते क्या है, कीवर्ड्स आर बेसिकली टैग्स, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉलम है, इसको भी मैं रखूंगा। सो आई विल कीप इट कीवर्ड्स। नेक्स्ट इज ओरिजिनल लैंग्वेज। एक बार ओरिजिनल लैंग्वेज का डिस्ट्रीब्यूशन मैं आपको दिखाता हूँ सो दैट आपको समझ में आए। सो अगर मैं लिखूं मूवीज डॉट
मूवीज के अंदर ओरिजिनल लैंग्वेज डॉट वैल्यू काउंट्स अगर मैं आपको करके दिखाऊं, तो यू वुड सी कि हमारे पास टोटल 5000 मूवीज का डेटा है, उसमें से 4500 मूवीज एनीवेज इंग्लिश है। तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि बहुत ज्यादा हाईली इम्बैलेंस्ड है डेटा। इंग्लिश की मूवीज 95% है और बाकी का 5% इज अदर लैंग्वेजेस। तो दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प, उल्टा गड़बड़ कर सकता है। तो आई नॉट कीप ओरिजिनल लैंग्वेज, ठीक है। नेक्स्ट इज ओरिजिनल टाइटल। आप ओरिजिनल टाइटल रख लो या टाइटल रख लो, एक ही बात है, हम टाइटल रखेंगे, क्योंकि टाइटल में सारे जो मूवीज का नाम होगा वो हमेशा इंग्लिश में होगा। ओरिजिनल टाइटल में क्या प्रॉब्लम हो सकता है कि हिंदी में हो सकता है या लोकल रीजनल लैंग्वेज में नाम हो सकता है, पढ़ने में प्रॉब्लम हो सकता है। सो वी विल कीप इट एज, विल कीप टाइटल, विल रिमूव ओरिजिनल टाइटल, ठीक है। नेक्स्ट इज ओवरव्यू। सब ओवरव्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब एट द एंड अगर हमें कॉन्टेंट के सिमिलैरिटी के बेसिस पे मूवीज को रिकमेंड करना है, तो कॉन्टेंट की सिमिलैरिटी आपको क्लियरली समझ में आ सकती है ओवरव्यूज को कंपेयर करके। अगर दोनों मूवीज की समरी सिमिलर है तो मूवीज भी सिमिलर है, राइट। तो गोइंग बाय दैट लॉजिक वी विल ऑल्सो कीप ओवरव्यू। नेक्स्ट पॉपुलैरिटी। पॉपुलैरिटी कुड बी एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर, बट जिस तरीके से हम अप्रोच कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट को, हम वहां पे टैग्स क्रिएट करने का ट्राई कर रहे हैं, तो पॉपुलैरिटी सिंस इट इज अ न्यूमेरिक मेजर, हमारे अप्रोच के साथ सही नहीं बैठेगा, तो हम पॉपुलैरिटी को यूज नहीं करेंगे, ठीक है। प्रोडक्शन कंपनीज को रखा जा सकता है, बट कभी कभी क्या होता है, मतलब आप बस ऐसे समझना है आपको कि आप अपने दोस्तों को जब मूवीज रिकमेंड करते हो, तो क्या आप प्रोडक्शन कंपनीज के बेसिस पे रिकमेंड करते हो? नहीं, आप एक्टर्स के बेसिस पे करते हो, आप मूवी के टाइप के बेसिस पे करते हो, आप डायरेक्टर के बेसिस पे करते हो। प्रोडक्शन कंपनीज उतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता, आप चाहो तो ट्राई करके देख लेना, मैं स्किप कर रहा हूं उसको, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हम एक काम करते हैं, ट्रंकेट हो जा रहा है पूरा व्यू, तो हम इन्फो कॉलम को कॉल कर लेते हैं। प्रोडक्शन कंपनीज हम नहीं रख रहे, मूवी की शूटिंग कहाँ कहाँ हुई है फर्क नहीं पड़ता। रिलीज डेट क्या है, रिलीज डेट से एक्चुअली थोड़ा फर्क पड़ सकता है। हो सकता है कुछ लोगों को एक स्पेसिफिक पीरियड की मूवीज अच्छी लगती हो, जैसे अगर आप अपने मम्मी पापा से बात करो तो हो सकता है उनको 80s और 90s की मूवीज अच्छी लगती हो, वेयर एज अगर आप थोड़ा यंगर पॉपुलेशन से बात करो तो उनको 2000 के बाद की मूवीज अच्छी लगती हो। तो रिलीज डेट कुड बी अ फैक्टर, बट अगेन इट इज अ न्यूमेरिकल सॉर्ट ऑफ कॉलम, तो हमारे वर्क फ्लो में अभी ये फिट इन नहीं हो रहा, तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। बट मैं आपको एक टास्क देता हूँ, इस प्रोजेक्ट को करने के बाद आप सोचना कि रिलीज डेट को आप कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हो इस पूरे फ्लो में, ठीक है। नेक्स्ट इज रेवेन्यू, मूवी ने कितना कमाया। हाँ, मूवी ने कितना कमाया है, दैट कैन बी एन इनडायरेक्ट इंडिकेटर कि दो मूवीज अच्छी हैं तो दोनों का रेवेन्यू भी ज्यादा होगा, बट अगेन इट इज न्यूमेरिकल, मेरे वर्क फ्लो के साथ ये नहीं जाएगा। नेक्स्ट इज रन टाइम, मूवी कितनी लंबी है उससे फर्क नहीं पड़ता, मूवी कितनी भी लंबी हो अच्छी होनी चाहिए। स्पोकन लैंग्वेजेस, मूवी में कौन कौन से लैंग्वेजेस बोले गए, अगेन इट डज नॉट मैटर, स्टोरी मैटर करता है। स्टेटस ऑफ द मूवी, रिलीज हो चुकी है या आने वाली है, फर्क नहीं पड़ता। टैगलाइन ऑफ द मूवी, टैगलाइन का प्रॉब्लम क्या है, टैगलाइन इज टेक्सचुअल, बट उसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि टैगलाइन वियर्ड रहता है, मतलब मूवी कुछ है और उसका टैगलाइन कुछ स्टाइलिश सा बहुत डिफरेंट हो जाता है, तो थोड़ा वेग है इसलिए इसको नहीं रख रहे हैं। एनीवेज ओवरव्यू को रख रहे हैं, तो ओवरव्यू हमारा वो पर्पस सॉल्व कर रहा है, दैट इज वाई टैगलाइन को नहीं रखेंगे। टाइटल ऑफ द मूवी ऑलरेडी हमने रखा है। वोट एवरेज न्यूमेरिकल कॉलम है, वी आर स्किपिंग। वोट काउंट न्यूमेरिकल है, वी आर स्किपिंग। मूवी आईडी, हमने आईडी को ऑलरेडी रख लिया, तो मूवी आईडी को रखने का जरूरत नहीं है। कास्ट एंड क्रू, कास्ट हम रखेंगे क्योंकि आप एक्टर्स के बेसिस पे मूवीज रिकमेंड करते हो, किसी को शाहरुख की मूवीज पसंद है तो वो शाहरुख की सारी मूवीज देख लेगा भले ही घटिया हो, और हम क्रू भी रखेंगे क्योंकि उसके अंदर डायरेक्टर है, सो अगर आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्टर की मूवी पसंद है तो आप उसकी बाकी मूवीज भी देखना पसंद करोगे, ठीक है। तो अब जो दो कॉलम्स बचे हैं वो हैं कास्ट एंड क्रू, ठीक है। तो आई विल गो ऑन टॉप ओवर हियर एंड मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कास्ट क्रू, और अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मूवीज के अंदर से ये सारे कॉलम्स निकाल रहा हूँ, मूवी अंडरस्कोर आईडी
आईडी ले लो या मूवी आईडी ले लो, सेम ही बात है. टाइटल ऑफ द मूवी, ओवरव्यू ऑफ द मूवी, जॉनर्स, कीवर्ड्स, कास्ट एंड क्रू, इतना चाहिए गाइस मुझे, ये चाहिए मुझे, ठीक है. और इसको मैं वापस मूवीज में ही स्टोर कर लेता हूँ लाइक दिस. और ये रहा फाइनली हमारी अभी तक की मेहनत. दिस इज द डेटा फ्रेम जिसके ऊपर हम लोग काम करने वाले हैं, ठीक है. यही हमारा मेन डेटा है. अभी तक जो डेटा था वो काफी सारा चीज था, उसके अंदर काम की चीज मैंने निकाल ली है, अब हम इसी के ऊपर आगे काम करेंगे. सो गाइस, अब मैं आपको थोड़ा बताता हूँ कि हमें यहाँ से हमारे पास जो डेटा है उसको पकड़ के जाना कहाँ है, हमें करना क्या है, वो हम एक बार डिस्कस करते हैं. सो हम क्या करना है, हमें क्या करना है कि हमारे पास ये जो डेटा फ्रेम है इससे मुझे एक नया डेटा फ्रेम बनाना है. मैं आपको दिखाता हूँ वो नया डेटा फ्रेम कैसा होगा. हमारा जो नया डेटा फ्रेम होगा वो कुछ ऐसा होगा, उसमें सिर्फ तीन कॉलम्स होंगे. एक होगा मूवी आईडी, एक होगा मूवी का टाइटल और एक होगा टैग्स, ठीक है. अब ये टैग्स वाला कॉलम कैसे बनेगा, बहुत सिंपल है. मैं ओवरव्यू, जॉनर्स, कीवर्ड्स, कास्ट और क्रू उसको मर्ज कर दूंगा, ठीक है, जोड़ दूंगा, तो मुझे टैग्स वाला कॉलम मिलेगा, ठीक है. कैसे जोड़ूंगा, बहुत सिंपल है. मैं ओवरव्यू को पकड़ूंगा और उसमें सारे जॉनर्स को ऐड कर दूंगा, ठीक है. एक्शन एक वर्ड है, एडवेंचर एक दूसरा वर्ड है, मैं उन वर्ड्स को लास्ट में ऐड करता जाऊंगा, ठीक है. अब यहां पर ऑब्वियसली ये वियर्ड फॉर्मेट में है, मुझे इसको पहले सही फॉर्मेट में लाना पड़ेगा. सेम गोज विद कीवर्ड्स, कीवर्ड्स में भी जितने कीवर्ड्स हैं, जैसे कल्चर क्लैश एक कीवर्ड है, मुझे उसको निकाल करके जोड़ना है ओवरव्यू और जॉनर के अंदर, ठीक है. अगेन इट इज ऑल्सो इन अ वियर्ड फॉर्मेट. नेक्स्ट कास्ट, मैं सारे कास्ट को नहीं जोड़ूंगा, मैं सिर्फ टॉप थ्री कास्ट को जोड़ूंगा, जो टॉप तीन एक्टर्स हैं किसी भी मूवी में, मैं उनके बेसिस पे रिकमेंडेशन करूंगा, ठीक है. और क्रू में भी मैं सारे क्रू मेंबर्स को नहीं जोड़ूंगा, मैं सिर्फ डायरेक्टर के नाम को जोड़ूंगा. सो एट द एंड क्या होगा, इन सारे स्ट्रिंग्स को जब मैं जोड़ूंगा तो मुझे एक बड़ा सा पैराग्राफ मिलेगा, ठीक है. मुझे हर मूवी के लिए वो पैराग्राफ निकालना है, ठीक है. अब वो करने के लिए हमें दो काम करने पड़ेंगे. सबसे पहले हमें प्री प्रोसेसिंग करना पड़ेगा, मतलब इन कॉलम्स को थोड़ा सा सही फॉर्मेट में लाना पड़ेगा. और सेकंड, हमें थोड़ा सा और डेटा प्री प्रोसेसिंग वाली चीजें करनी पड़ेंगी, जैसे कि मिसिंग डेटास को रिमूव करना पड़ेगा और डुप्लीकेट डेटा को हटाना पड़ेगा. तो वो हम लोग अभी करते हैं. सबसे पहले आई विल चेक कि इस डेटा में कहीं कोई मिसिंग डेटा तो नहीं है, और अगर कोई डुप्लीकेट डेटा है तो मैं उसको भी हटाऊंगा, ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट विथ मिसिंग डेटा. आई गेस आपको ऑलरेडी पता है कोड. आई विल राइट मूवीज डॉट इज नल फंक्शन को कॉल करके मैंने सम कर दिया. और यू कैन सी ओवरव्यू में अभी तीन कॉलम्स हैं, तीन रोज हैं, तीन मूवीज ऐसी हैं जिनका ओवरव्यू मुझे नहीं पता, ठीक है. एंड सिंस ओवरव्यू इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉलम और सिर्फ तीन है तो बहुत बड़ा नंबर नहीं है, सो वॉट आई विल डू इज आई विल जस्ट ड्रॉप देम, आई जस्ट ड्रॉप देम, ठीक है. इन प्लेस इक्वल्स ट्रू. और अब अगर मैं इस कोड को दोबारा रन करूं, यू कैन सी मेरे पास कोई मिसिंग डेटा नहीं है. सो इन शॉर्ट मैंने तीन मूवीज हटा दी जिनका ओवरव्यू मेरे पास नहीं था. नेक्स्ट, डुप्लीकेट डेटा है कि नहीं. सो उसको चेक करने के लिए हम लिखेंगे मूवीज डॉट डुप्लीकेटेड फंक्शन होता है और उसके ऊपर हम सम परफॉर्म कर देंगे. एंड यू कैन सी कोई भी रो डुप्लीकेट नहीं है, ठीक है. तो ये चेक हमने कर लिया है. अब हमें क्या करना है, हमें इन कॉलम्स को सही फॉर्मेट में लेके आना है. तो सबसे पहले लेट्स फोकस ऑन द जॉनर्स वाला कॉलम. हम क्या करेंगे, मैं आपको पहले एक जॉनर कॉलम निकाल के दिखाता हूँ. सो अगर आप मूवीज को पकड़ो और उसका जीरोथ, आई लॉक जीरोथ वाला लो और उसके अंदर से अगर आप जॉनर्स को निकालो, तो यू कैन सी ये एक वियर्ड फॉर्म में जॉनर्स हमारे पास हैं. सो पहली जो मूवी है एवतार, उसके जॉनर हैं एक्शन, एडवेंचर, फैंटेसी, साईफाई. बट
ये थोड़ा वियर्ड फॉर्मेट में है, इट इज अ डिक्शनरी, इट इज अ लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज. मुझे इस पूरी चीज को इस फॉर्मेट में लेके आना है. मुझे इस पूरी चीज को, इस पूरे लिस्ट को इस फॉर्म में लेके आना है. ये मेरा टास्क है, ठीक है. यही प्री प्रोसेसिंग मुझे अप्लाई करना है. तो हम क्या कर सकते हैं, बहुत सिंपली वी कैन क्रिएट अ हेल्पर फंक्शन जिसका नाम होगा, लेट्स कॉल इट कन्वर्ट. और कन्वर्ट में मुझे एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है और मुझे क्या करना है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर से पहले तो उसके ऊपर लूप चलाना है, बिकॉज वो एक लिस्ट होगा. फॉर आई इन ओबीजे मैं लूप चलाऊंगा. मुझे बेसिकली ये ऊपर वाला पूरा लिस्ट मिल रहा है, इस लिस्ट के ऊपर मैं लूप चलाऊंगा. तो हर बार लूप चलेगा तो एक डिक्शनरी मुझे मिलेगा और मुझे उस डिक्शनरी के अंदर से क्या करना है, आई का नेम को निकालना है. आई का नेम निकालने से मुझे ये वैल्यू मिल जाएगी. और इसको मैं क्या कर सकता हूँ, एक लिस्ट में अपेंड कर सकता हूं. सो आई कैन राइट एल डॉट अपेंड लाइक दिस और लूप जब खत्म होगा तो मैं रिटर्न कर दूंगा एल को. दिस इज द हेल्पर फंक्शन. देयर इज ओनली वन प्रॉब्लम गाइस, अगर आप ध्यान दो तो ये जो लिस्ट है ना, ये एक्चुअली एक स्ट्रिंग है विच इज वियर्ड. मतलब मैं आपको दिखाता हूँ प्रॉब्लम क्या है. अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करूं, कन्वर्ट को अगर मैं कॉल करूं और ये लिस्ट अगर मैं पास करूं, मैं ये लिस्ट पास करके आपको दिखाता हूं. कॉपी पेस्ट, ये देखो क्या हो रहा है. ये बोल रहा है स्ट्रिंग इंडिसेस मस्ट बी इंटीजर्स. सो बेसिकली ये स्ट्रिंग होने की वजह से क्या हो रहा है, ये काम नहीं कर रहा है. तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले इस स्ट्रिंग ऑफ लिस्ट को लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा. और इसके लिए एक मॉड्यूल होता है पाइथन में AST बोल के, और AST के अंदर एक फंक्शन होता है लिटरल इवैल जो एग्जैक्टली ये काम करता है. मैं आपको दिखाता हूं. अगर मैं इसको वापस पेस्ट करूं और रन करूं, ये देखो आउटपुट क्या आ रहा है कि एक लिस्ट बन गया और उस लिस्ट के अंदर जो भी था वो एज इट इज है, ठीक है. तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे AST.literal_eval के अंदर इस ऑब्जेक्ट को डालना पड़ेगा. सो ये ऑब्जेक्ट जब मुझे मिलेगा तो ये एक स्ट्रिंग होगा. इस ऑपरेशन के बाद वो एक लिस्ट बन जाएगा और उस लिस्ट के ऊपर मैं लूप चला पाऊंगा, ठीक है. सो ये हो गया मेरा सेटअप. अब देखो मैं क्या कोड लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं मूवीज का जॉनर्स डॉट अप्लाई फंक्शन कन्वर्ट एंड यू कैन सी ये रहा मेरा आउटपुट. फॉर एवरी मूवी आई एम गेटिंग अ लिस्ट ऑफ ऑल द जॉनर्स ऑफ दैट मूवी, ठीक है. इसको मैं वापस एज इट इज इसी कॉलम में स्टोर कर देता हूं और अब मैं आपको दिखाता हूं मूवीज डॉट हेड करके कैसा दिख रहा है. सो यू कैन सी हमारा एक कॉलम का प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है. मुझे सीधे सीधे सारे जॉनर्स मिल गए मूवीज के, ठीक है. नेक्स्ट विल डू दिस सेम थिंग ऑन कीवर्ड्स वाला कॉलम. बिल्कुल सेम चीज, कोई डिफरेंस नहीं है. हम ये कोड लिखेंगे, विल राइट मूवीज कीवर्ड्स डॉट अप्लाई कन्वर्ट और इसको भी रन करने से मुझे सेम टू सेम एक लिस्ट मिल जाएगा ऑफ ऑल द कीवर्ड्स. और इसको भी मैं उठा के क्या करूंगा, उसी में वापस स्टोर कर दूंगा. और अब मैं मूवीज डॉट हेड करके आपको दिखाता हूं एंड यू कैन सी मेरे दो प्रॉब्लम्स सॉल्व हो चुके हैं. जॉनर्स सही फॉर्मेट में आ चुका है, कीवर्ड्स भी सही फॉर्मेट में आ चुका है, लिस्ट ऑफ वर्ड्स. अब अगला है कास्ट. कास्ट में भी सेम चीज करनी है हमें. कास्ट में हमें क्या करना है, टॉप थ्री एक्टर्स को निकालना है. सो सेम चीज रहेगी.
मैं आपको इनफैक्ट एक काम करता हूँ, मैं आपको कास्ट वाला कॉलम दिखाता हूँ कि वो कैसा है. सो दिस इज द कास्ट कॉलम फॉर फर्स्ट मूवी एवेटार. मुझे क्या चाहिए, मुझे इसमें से फर्स्ट थ्री डिक्शनरीज चाहिए. सो दिस इज द फर्स्ट डिक्शनरी जिसमें फर्स्ट एक्टर का इंफॉर्मेशन है, दिस इज द सेकेंड डिक्शनरी जिसमें सेकेंड इंफॉर्मेशन है सेकेंड एक्टर का, एंड दिस इज द थर्ड डिक्शनरी. मुझे उसके आगे की डिक्शनरी से कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो फोर्थ फिफ्थ और आगे वाले नंबर्स के एक्टर्स हैं, सबसे इंपॉर्टेंट एक्टर्स शुरू में हैं. मुझे हर डिक्शनरी में घुस करके कौन सा कॉलम चाहिए, कौन सा वैल्यू चाहिए, नेम का वैल्यू चाहिए क्योंकि नेम में ही उस एक्टर का नाम है. अगर आप कैरेक्टर में घुसोगे तो उस मूवी में उस कैरेक्टर का जो नाम है, ठीक है, वो है. मतलब आई होप आपको समझ में आ रहा है, जोकर मूवी के अंदर जोकर नाम है बट उसका एक्चुअल नाम इज हीथ लेजर. ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है. हमें एक्चुअल नाम चाहिए, सलमान खान भाई नहीं चाहिए, सलमान खान चाहिए. ठीक है, तो व्हाट वी विल डू इज हम सब कुछ सेम रखेंगे, हम ऊपर वाले फंक्शन को ही रिपीट करेंगे, हम इस ऊपर वाले फंक्शन को ही रिपीट करेंगे यहां पर, और इसका नाम रख देते हैं कन्वर्ट थ्री. सो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, एक काउंटर ले लेते हैं जिसका वैल्यू है जीरो, और हर बार हम चेक कर रहे हैं इफ काउंटर इज नॉट इक्वल टू थ्री. अगर थ्री के बराबर नहीं है तो हम अपेंड करते जाएंगे और काउंटर को इंक्रीमेंट करते जाएंगे, एल्स हम ब्रेक कर देंगे. सो होगा क्या, पहली बार जब आप घुसोगे तो काउंटर का वैल्यू जीरो होगा, अपेंड होगा काउंटर का वैल्यू वन हो जाएगा, फिर अपेंड होगा काउंटर का वैल्यू टू हो जाएगा, फिर अपेंड होगा काउंटर का वैल्यू थ्री हो जाएगा, और उसके बाद अपेंड नहीं होगा. ठीक है, तो तीन वैल्यूज अपेंड हो जाएंगी. सो ये रहा मेरा कोड, यहां पे लगेगा एक कोलोन, दिस इज द कोड. अब हमें जो कोड लिखना है वो ये है, मूवीज कास्ट डॉट अप्लाई कन्वर्ट थ्री. सो या दिस इज द आउटपुट गाइज, यू कैन सी फॉर ईच मूवी यू आर गेटिंग थ्री एक्टर नेम्स, सैम वर्थिंगटन, जो साल्डाना, वीवर, जॉनी डेप, कीरा नाइटली. हर मूवी के लिए मुझे तीन एक्टर्स का नाम मिल गया. सो आई जस्ट कॉपी दिस एंड आई विल पेस्ट इट इन द सेम कॉलम. एंड नाउ इफ आई डू मूवीज डॉट हेड, हमारे तीन कॉलम्स का प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, जॉनर्स, कीवर्ड्स एंड कास्ट, इन तीनों का प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर लिया. अब बचा क्रू. अब क्रू थोड़ा डिफिकल्ट है. क्रू में क्या प्रॉब्लम है मैं आपको दिखाता हूं. मूवीज क्रू का जीरो. अब यहां पे बहुत सारे हैं डिक्शनरीज बट मुझे वो डिक्शनरी चाहिए, मुझे वो डिक्शनरी चाहिए जहां पे डिपार्टमेंट, सॉरी, जहां पे जॉब है डायरेक्टर, और उसी डिक्शनरी का मुझे नेम एक्सट्रैक्ट करना है. ठीक है, मुझे बाकी डिक्शनरी से कोई मतलब नहीं है जहां पर जॉब का वैल्यू कुछ और है, मुझे सिर्फ उस डिक्शनरी से मतलब है जहां पे जॉब का वैल्यू डायरेक्टर है. सो जैसे यहाँ पे जॉब का वैल्यू स्क्रीन प्ले है, सिमिलरली कहीं नीचे होगा, अब खोजने में थोड़ा डर लग रहा है क्योंकि बहुत बड़ा है ये. चलो एक काम करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन बहुत सिमिलर होने वाला है जो हमने अभी तक यूज किया है, हम उसी को यूज करेंगे और इसका नाम रखते हैं फेच डायरेक्टर. ठीक है, बहुत सिंपल है. हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले चेक करेंगे कि इफ आई का जॉब का वैल्यू इज इक्वल टू डायरेक्टर देन ओनली वी विल अपेंड आई का नेम. ठीक है, और जैसे ही ये हो जाएगा हम ब्रेक भी कर देंगे, आगे के डिक्शनरीज में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हर मूवी में एक ही डायरेक्टर होगा. सो दिस इज द कोड, एक बार ट्राई करते हैं इसको. मूवीज का क्रू डॉट अप्लाई
फेच डायरेक्टर, रन करते हैं एंड या यू कैन सी हमें वैल्यूज मिल जा रही हैं. सो अवतार का डायरेक्टर इज जेम्स कैमरून, फोर्थ मूवी थी डार्क नाइट राइजेस जिसका डायरेक्टर इज क्रिस्टोफर नोलान. तो या सही है ये, इसको वापस हम लोग स्टोर कर लेते हैं. और अब अगर आप मूवीज डॉट हेड करो तो ये रहा गाइस, काफी मेहनत के बाद हमारे पास जो सारे कॉलम्स थे जो थोड़े प्रॉब्लमैटिक थे उनको हमने सही फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया. ठीक है, अब मैं एक लास्ट काम करूंगा और वो ये है कि ये जो ओवरव्यू वाला कॉलम है ये एक स्ट्रिंग है. मैं आपको दिखाता हूं, ओवरव्यू वाला जो कॉलम है मूवीज ओवरव्यू, दिस इज अ स्ट्रिंग. ठीक है, इसको भी मैं एक लिस्ट में कन्वर्ट कर रहा हूं, इसको भी मैं एक लिस्ट में कन्वर्ट कर रहा हूं सो दैट मैं बाकी लिस्ट के साथ कॉन्कैटिनेट कर पाऊं. तो बहुत सिंपल सा कोड है इसके लिए, हम लिखेंगे मूवीज का ओवरव्यू डॉट अप्लाई, और हम अप्लाई कर रहे हैं एक लैम्डा फंक्शन, लैम्डा फंक्शन जहां पे हमें x मिलेगा तो हम x डॉट स्प्लिट कर रहे हैं. दैट्स इट, दिस इज द कोड एंड यू कैन सी जैसे आप ये कर रहे हो आपके पास हर रो के लिए एक लिस्ट आ जा रहा है, वही लिस्ट हमें चाहिए. सो आई विल जस्ट कॉपी एंड पेस्ट एंड आई वुड राइट इट लाइक दिस मूवीज डॉट हेड. ये देखो गाइस, अब हमारे पास जो सारी चीजें हैं वो ऐसी हैं, मतलब दिख रहा है सामने सब कुछ लिस्ट में है. अब हम बस क्या करेंगे, उन लिस्ट को कॉन्कैटिनेट कर देंगे तो एक बड़ा सा लिस्ट बन जाएगा, और फिर हम उस लिस्ट को वापस स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे तो एक बड़ा सा पैराग्राफ बन जाएगा, वही हमारा टैग्स वाला कॉलम होगा. ठीक है, तो वी आर ऑलमोस्ट देयर. बस देयर इज वन प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करते हैं. सो गाइस, प्रॉब्लम क्या है कि हमें एक काम करना पड़ेगा कि जो कीवर्ड्स जॉनर्स बेसिकली ये जो चार अपने कॉलम्स हैं, इन चारों कॉलम्स के ऊपर हमें एक ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना पड़ेगा. और वो ट्रांसफॉर्मेशन ये है कि यहाँ पे जितने भी वर्ड्स हैं उनके बीच में अगर कोई स्पेस है तो मुझे उसको रिमूव करना है. सो अगर आपके पास ये स्ट्रिंग है सैम वर्थिंगटन, तो मुझे इसको चेंज करना है इनटू दिस. अब यू माइट आस्क ऐसा क्यों करना है, क्यों जरूरी है ये. एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे रिकमेंडर सिस्टम के लिए. मैं आपको समझाने का ट्राई करता हूँ, थोड़ा डिफिकल्ट है बट आई विल ट्राई. सो अगर आप इन वर्ड्स को अलग अलग रखते हो तो एक प्रॉब्लम आ सकता है. प्रॉब्लम क्या आ सकता है मैं आपको समझाता हूँ. सो सैम अलग वर्ड है, वर्थिंगटन अलग वर्ड है. ठीक है, और ये एक्चुअली एक ही बंदे का नाम है, सैम वर्थिंगटन एक ही बंदे का नाम है, बट सैम अलग एंटिटी हो गया, वर्थिंगटन अलग एंटिटी हो गया. मतलब ऐसा समझ सकते हो कि दो अलग टैग्स बन गए, एक टैग है सैम और एक टैग है वर्थिंगटन, दोनों सेम बंदे को पॉइंट कर रहे हैं. बट द प्रॉब्लम इज कि हमारे डेटा में एक और बंदा है सैम मेंडेस बोल के, तो उसका भी नाम सैम और मेंडेस दोनों है, बट उसके भी जब टैग्स बनेंगे तो सैम अलग बनेगा और मेंडेस अलग बनेगा. ठीक है, अब मुझे देखना था सैम वर्थिंगटन का मूवी, राइट, बट सिंस सैम यहाँ पे अलग है और सेम सैम यहाँ पर भी है, तो हमारा जो मॉडल है वो कंफ्यूज हो जाएगा कि आपको ये वाला सैम चाहिए या ये वाला सैम चाहिए. तो हो सकता है कि आप इसको खोज रहे हो बट आपको इसकी मूवीज रिकमेंड होने लग जाए. ठीक है, बट अगर आप ये स्पेस हटा करके इसको एक बड़ा सा वर्ड बना दो तो सैम वर्थिंगटन इज नाउ वन एंटिटी. वो जो टैग बनेगा वो सैम वर्थिंगटन का ही होगा. सिमिलरली सैम मेंडेस विल बी अ सिंगल वर्ड, अ सिंगल एंटिटी. तो जब भी आप खोजोगे तो वो सैम मेंडेस को खोजेगा ना कि सैम को, और इसलिए कंफ्यूजन नहीं होगा. ये सेम काम हम सभी जगह पे करेंगे, जैसे साइंस फिक्शन को हम साइंस फिक्शन विदाउट स्पेस बना देंगे. ठीक है, तो दिस इज अ ट्रांसफॉर्मेशन दैट वी हैव टू अप्लाई, और बहुत सिंपल है एक्चुअली, हमें करना कुछ नहीं है, हमें बस ये कोड लिखना है. मैं आपको पहले एक बार जॉनर्स के ऊपर अप्लाई करके दिखाता हूँ. जॉनर्स के ऊपर अप्लाई करने के लिए हमें क्या कोड लिखना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा अप्लाई, और अप्लाई के अंदर मैं एक लैम्डा फंक्शन यूज करूंगा. लैम्डा जो भी हमें मिल रहा है, हम एक लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज करेंगे. वी वुड राइट आई डॉट
replace any spaces with nothing for I in X. And you can see, guys, this is the output. So, जहां भी साइंस फिक्शन था उसके बीच का स्पेस चला गया, और आगे भी कहीं अगर ऐसा कुछ होगा तो स्पेसेस हट जाएंगे लाइक दिस, ठीक है? और अब मैं क्या करूंगा, इसको वापस यहां पे स्टोर कर दूंगा, एंड आई विल कॉपी दिस एंटायर कोड वंस एंड आई विल पेस्ट इट 3 times. यहां पे आई वुड राइट कीवर्ड्स, keywords, यहां पे I would write cast, यहां पे crew, और यहां पर भी हम लिखेंगे crew. और अब अगर हम movies को एक बार print करके देखें तो you can see, guys, हमारा जो purpose था वो achieve हो गया है. हमारे सारे एक्टर्स और डायरेक्टर्स के नेम के बीच में जो स्पेस था वो हमने हटा दिया है, और अब ये जो डेटा है ये बिल्कुल उस फॉर्मेट में है जिस फॉर्मेट में मुझे चाहिए था. अब बस एक लास्ट काम करना है हमें, और वो ये है कि हम एक नया कॉलम बनाएंगे टैग्स के नाम से, और उसके अंदर हम लोग इन चारों पांचों कॉलम्स को कॉन्कैटिनेट कर देंगे. सो बेसिकली वी हैव टू राइट दिस कोड. मूवीज के अंदर आई एम गोइंग टू क्रिएट टैग, और टैग्स बोल के एक नया कॉलम विच विल बी द कॉन्कैटिनेशन ऑफ ओवरव्यू वाला कॉलम, जॉनर्स वाला कॉलम, कीवर्ड्स वाला कॉलम, कीवर्ड्स, कास्ट, एंड लास्टली क्रू. और ये रहा हमारा गाइज फाइनल जो हमें करना था. ये लास्ट में वो कॉलम आ चुका है. अब हमें इन बाकी के कॉलम्स की जरूरत नहीं है. सो मैं एक काम करता हूं, मैं एक नया डेटा फ्रेम बना रहा हूं न्यू डीएफ बोल के, विच विल बी मूवीज के अंदर से मूवी अंडरस्कोर आईडी कॉलम, टाइटल कॉलम एंड टैग्स कॉलम. और ये रहा न्यू डीएफ. सो काफी मेहनत के बाद हम यहां पहुंच चुके हैं. अब एक काम करते हैं कि हम लोग ये जो लिस्ट है इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं. बहुत सिंपल है, हम ये कोड लिखेंगे न्यू डीएफ टैग्स डॉट apply again lambda function x, और हमें क्या करना है, हमें हर लिस्ट को स्पेस पे join करना है. so we would write join x and you can see ये रहा हमारा output. और इसको मैं वापस tags में ही डाल दूंगा. so now new df dot head करने पे I should get this. अगर मैं कोई एक पर्टिकुलर कॉलम का आपको दिखाऊं, रो का दिखाऊं अगर, तो I would write tags का 0, and you can see ये रहा. In the 22nd century, a paraplegic marine is dispatched, जो भी है. यहाँ तक हमारा overview है. इसके बाद हमारा genres है. इसके बाद हमारा keywords है. उसके बाद हमारे एक्टर्स हैं, और उसके बाद हमारा डायरेक्टर है, ठीक है? एक काम और कर लेते हैं. सब कुछ जो है हमारे पास इसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देते हैं. रिकमेंडेड, सजेस्ट किया जाता है ऐसा करना. सो बहुत सिंपल है, फिर से मैं सेम कोड लिख रहा हूँ. आई वुड राइट टैग्स डॉट अप्लाई लैम्डा एक्स, मिल रहा है x डॉट लोअर कर रहे हैं, और इस पूरी चीज को हम वापस स्टोर कर देते हैं ऐसे. new df डॉट हेड विल गिव मी दिस, ठीक
ठीक है. सो या मोर ऑर लेस वी आर रेडी. अब हमें क्या करना है कि अब हमें वेक्टराइजेशन करना है, टेक्स्ट वेक्टराइजेशन. ठीक है. सो आगे जो भी हम करने वाले हैं वो थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, तो मैं आपको पहले एक बार व्हाइट बोर्ड पे समझाता हूँ और उसके बाद हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे. ओके गाइस, सो थोड़ा सा अब हम लोग स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं, क्योंकि अब हम लोग ऐसे पॉइंट पर, ऐसे जंक्चर पे हैं इस प्रोजेक्ट में जहाँ पे आगे क्या करना है उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करने की जरूरत पड़ेगी. तो हमारे पास टैग्स आ चुके हैं, हर मूवी के टैग्स हैं मेरे पास. अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझो, हमें बनाना क्या है, हमें एक वेबसाइट बनानी है जहाँ पे यूजर एक मूवी का नाम बताएगा और हमें उससे रिलेटेड जो सबसे सिमिलर 5 मूवीज हैं वो हमें यूजर को देनी है. अब आउट ऑफ 5000 मूवीज कैसे पता चलेगा कि कौन सी 5 मूवीज सबसे सिमिलर है, दिस इज द क्वेश्चन. और आपको सिमिलैरिटी किस चीज के बेसिस पे बताना है, टैग्स के बेसिस पे. अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं. लेट्स से मैं लिख रहा हूं न्यू डीएफ का टैग्स का 0, ये पहली मूवी का सारा टैग्स है, और ये दूसरी मूवी का सारा टैग्स है. अब मुझे क्या करना है, मेरा चैलेंज ये है कि मुझे इन दोनों टेक्स्ट्स के बीच में सिमिलैरिटी कैलकुलेट करना है. ठीक है. अब अगर आप बैठ के सोचो वीडियो को पॉज करके कि पहली मूवी और दूसरी मूवी के बीच में कितना सिमिलैरिटी होगा, ये इस चीज पर डिपेंड करता है कि इन दोनों टेक्स्ट के बीच में कितना सिमिलैरिटी है. तो मुझे किसी भी तरीके से इन दोनों टेक्स्ट के बीच का सिमिलैरिटी स्कोर कैलकुलेट करना है. कैसे, दैट्स द क्वेश्चन. सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये पूरा टेक्स्टुअल डेटा है, इट इज नॉट नंबर्स कि हम कुछ मैथमेटिकल तरीके से कुछ एक स्कोर निकाल पाए. दिस इज टेक्स्ट. एक बहुत ही सिंपल तरीका हो सकता है कि आप नंबर ऑफ सिमिलर वर्ड्स कैलकुलेट करो, सेम वर्ड्स जो दोनों में है. अगर वो नंबर ऑफ सेम वर्ड्स बहुत ज्यादा है तो वो मूवी सिमिलर है, अदरवाइज वो मूवी सिमिलर नहीं है. बट ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत बढ़िया तरीका नहीं है ये. ठीक है. तो यहीं पे जरूरत पड़ती है वेक्टराइजेशन की. हम क्या करेंगे, हम इस टेक्स्ट को वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे. ठीक है. मैं आपको पूरा स्ट्रैटेजी समझाता हूँ, थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है आपको बट मैं थोड़ा आराम से समझाऊंगा. देखो, हमारे पास जो डेटा है वो इस फॉर्म में है कि हमारे पास मूवी आईडी है, हमारे पास उसका नेम है और हमारे पास टैग्स. इस तरीके से हमारे पास 5000 मूवीज हैं ऑलमोस्ट. ठीक है. अब मुझे क्या करना है, मुझे इन टैग्स को वेक्टर्स में कन्वर्ट करना है. वेक्टर्स मतलब, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. लेट्स अज्यूम अ 2D स्पेस, 2-dimensional स्पेस हम अज्यूम कर रहे हैं. तो 2-dimensional स्पेस कुछ ऐसा होता है, एक्स और वाई. अब इसमें अगर आपको एक वेक्टर बनाना है तो ये वेक्टर इज नथिंग बट अ कोऑर्डिनेट जिसका एक एक्स वैल्यू होगा और एक वाई वैल्यू होगा. सिमिलरली एक और कोऑर्डिनेट ये हो सकता है, आई डोंट नो, 5, 2. ठीक है. तो ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है. तो मैं बस इतना बोल रहा हूं कि मैं अपने हर मूवी के टैग को, हर टेक्स्ट को वेक्टर में कन्वर्ट करूंगा. ठीक है. और वेक्टर में मैं जैसे ही कन्वर्ट करूंगा, हर मूवी एक वेक्टर बन जाएगा, हर मूवी एक वेक्टर बन जाएगा. अब लेट्स से किसी ने इस मूवी को पकड़ा और बोला कि मुझे ये मूवी पसंद है, बताओ मुझे और कौन सी मूवीज देखनी चाहिए. इन दैट केस इस पूरे स्पेस में देर विल बी 5000 वेक्टर्स, हर मूवी एक वेक्टर है, सो देर वुड बी 5000 वेक्टर्स. तो हम कौन से वेक्टर्स को पकड़ेंगे, अगर हमें ये मूवी पसंद आई है तो हमें और कौन सी मूवीज रिकमेंड करनी चाहिए. यस, द आंसर इज क्लोजेस्ट वेक्टर्स. मैं इसको पकड़ूंगा, मैं प्रोबेबली इसको पकड़ूंगा. सो मैं जो क्लोजेस्ट वेक्टर्स है मैं उनको पकड़ूंगा. ठीक है. तो पूरा फंडा बहुत सिंपल है कि आपको समहाउ टेक्स्ट को वेक्टर्स में कन्वर्ट करना है और इस प्रोसेस को टेक्स्ट वेक्टराइजेशन बोला जाता है. इसके अलग अलग टेक्निक्स हैं बट हम जो टेक्निक यूज करेंगे उसको हम बोलते हैं बैग ऑफ वर्ड्स. बहुत ही फेमस टेक्निक है. इसके अलावा और भी टेक्निक्स होती हैं, TF IDF, वर्ड टू वेक, ये सब फेमस टेक्निक्स हैं
टेक्स्ट को वेक्टर में कन्वर्ट करने की, हम सबसे सिंपल वाला यूज कर रहे हैं, आप चाहो तो और एडवांस टेक्निक्स यूज कर सकते हो। सो बैग ऑफ वर्ड्स में आप क्या करते हो, बहुत ही सिंपल और इंटेलिजेंट फंडा है कि आपके जितने भी टैग्स हैं, हर मूवी का एक टैग है, आप उन सारे टैग्स को कंबाइन कर देते हो, सारे टैग्स को कंबाइन कर देते हो। सो अगर एक टैग में आपके पास 100 वर्ड्स हैं, तो हो सकता है कि सबको कंबाइन करने पे 500,000 वर्ड्स बन जाए, लेट्स से, ठीक है। तो आप पहले सारे के सारे वर्ड्स को कंबाइन कर देते हो, फिर आप क्या करते हो, उसमें से जो सबसे ज्यादा यूज होने वाले वर्ड्स होते हैं, मतलब पहले मैंने क्या किया, मैंने सारे टैग्स को कॉन्कैटिनेट कर दिया, टैग वन टैग टू, मैंने सबको कॉन्कैटिनेट कर दिया, तो एक बहुत बड़ा स्ट्रिंग बन गया जिसके अंदर बहुत सारे वर्ड्स हैं। अब उस बड़े से स्ट्रिंग में, लेट्स से मैं उसको लार्ज टेक्स्ट बोल रहा हूं, उस लार्ज टेक्स्ट के अंदर से मुझे 5,000 मोस्ट कॉमन वर्ड्स चाहिए। मैं क्या करूंगा, मैं उस बड़े से स्ट्रिंग में घुसूंगा जिसमें लाखों वर्ड्स हैं, और मैं कैलकुलेट करूंगा कि कौन से वर्ड्स सबसे ज्यादा बार आए हैं। मैं हर वर्ड का फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करूंगा, जैसे कि एक वर्ड है सलमान खान, सलमान खान एक सिंगल वर्ड है, वो कितनी बार आया है, मान लो वो 10 बार आया है, तो उस तरीके से मैं जो टॉप 5,000 वर्ड्स हैं जिनका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, मैं उनको एक्सट्रैक्ट करूंगा, ठीक है। सो मैं इस लार्ज टेक्स्ट से वर्ड वन, वर्ड टू, वर्ड थ्री, वर्ड 5,000 निकाल लूंगा, ठीक है। अब अगला स्टेप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। अब मैं क्या करूंगा, मैं हर मूवी के टैग्स को फिर से उठाऊंगा, ये फर्स्ट मूवी है, इसके टैग को मैं फिर से उठाऊंगा। लेट्स से W1 था एक्शन, मान लो एक्शन वो वर्ड है जो सबसे फ्रीक्वेंटली यूज हुआ है, सबसे ज्यादा बार यूज हुआ है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं पहली मूवी में पूछूंगा कि एक्शन वर्ड कितनी बार आया है, तो एक्शन वर्ड मान लो 5 बार आया। फिर सेकेंड वर्ड है मान लो फ्यूचर, सेकेंड वर्ड है मान लो फ्यूचर, तो फ्यूचर कितनी बार आया फर्स्ट मूवी में, मान लो 3 बार आया। सिमिलरली वर्ड 3 कितनी बार आया फर्स्ट मूवी में, 0 बार आया। और इस तरीके से मैं ये पूरा का पूरा टेबल फिल कर लूंगा, मान लो लास्ट वाला वर्ड आया है 1 बार, सो दिस इज मूवी 1, ठीक है। फिर मैं सेकेंड मूवी को पकड़ूंगा, दिस इज सेकेंड मूवी, और सेकेंड मूवी के लिए मैं पूछूंगा कि एक्शन वर्ड कितनी बार आया, मान लो 2 बार आया। फ्यूचर वर्ड कितनी बार आया, 0 बार आया। थर्ड वर्ड कितनी बार आया, 1 बार आया। लास्ट वर्ड कितनी बार आया, 3 बार आया। सिमिलरली मैं M3 को पकड़ूंगा, एक्शन कितनी बार आया, 1 बार आया। फ्यूचर कितनी बार आया, 1 बार आया। वर्ड 3 कितनी बार आया, 1 बार आया। ये कितनी बार आया, 5,000 टाइम्स आया। मूवी 5,000 जो लास्ट मूवी है, उसके लिए भी मैं सेम काम करूंगा। सो एंड में मेरे पास ये डेटा फ्रेम आ जाएगा, एक टेबल आ जाएगा जिसका शेप होगा 5,000 बेसिकली नंबर ऑफ मूवीज कॉमा 5,000 मोस्ट कॉमन वर्ड्स कितनी बार आ रहे हैं। एंड गेस व्हाट गाइस, ये जो चीज है ना, ये जो एक रो है, यही एक्चुअली एक वेक्टर है। अब ये जो मूवी है, अब ये एक वेक्टर में कन्वर्ट हो चुका है इन दिस 5,000 डायमेंशनल स्पेस। एक काम करते हैं, सिंपल रखते हैं इसको, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि 5,000 वर्ड्स ना हो करके सिर्फ 2 ही वर्ड्स हैं, सिर्फ 2 ही वर्ड्स हैं। तो अब आपका जो डेटा है उसका शेप कितना होगा, 5,000 मूवीज इन अ 2 डायमेंशनल स्पेस। तो अगर मैं इसको प्लॉट करूं तो यहां पे आ जाएगा एक्शन, दिस इज वर्ड 1, और यहां पे आ जाएगा फ्यूचर विच इज वर्ड 2। अब ये जो पहला मूवी है, ये जो वेक्टर है, ये 5,3 है, तो ये कहीं यहां पर आएगा। अगला है 2,0, तो ये कहीं यहां पर आएगा, ठीक है। अगला है 1,1, ये कहीं यहां पे आएगा। अगला है 5,2, ये कहीं यहां पे आएगा। सो ये सारे वेक्टर्स हमने फॉर्म कर लिए, इस तरह के 5,000 वेक्टर्स हो गए इस 2 डायमेंशनल स्पेस में। अब कोई आके बोल रहा है कि मुझे ये वाली मूवी पसंद है, बताओ मुझे कौन सी मूवी देखनी चाहिए, तो अब आप क्या करोगे, इसका जो क्लोजेस्ट 5 वेक्टर्स हैं वो आप फेच कर लोगे। अगर आपको ये चीज 2 डायमेंशनल स्पेस में समझ में आ गई, तो ये चीज आपको 5,000 डायमेंशनल स्पेस में भी इजिली समझ में आ सकती है। मैथ्स बिल्कुल सेम है, मैं आपको विजुलाइज करके नहीं दिखा सकता,
बट मैथ्स एग्जैक्टली वैसा ही काम करता है. आपने क्या किया, आपने अपने पूरे के पूरे टेक्स्ट को वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया. सो नाउ एवरी मूवी इज अ वेक्टर इन अ 5000 डायमेंशनल स्पेस. अब मैंने 5000 वर्ड्स ही क्यों लिए, मैं 10,000 भी ले सकता था. एक्चुअली ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. कम से कम वर्ड्स में बेस्ट परफॉर्मेंस निकालना है, क्योंकि जितने ज्यादा वर्ड्स होंगे उतना ज्यादा डायमेंशनैलिटी बढ़ जाता है आपके डेटा का, वो प्रॉब्लमैटिक है. तो ज्यादा बढ़िया अप्रोच ये है कि आप कम वर्ड्स के साथ स्टार्ट करो, 2000, 5000, 10,000, और देखो किस पे आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिल रहे हैं. तो वो मेरे कंट्रोल में नहीं था, मैंने आपको एग्जांपल देने के लिए बताया. और सेकेंड चीज कि हम जब ये काम कर रहे होंगे, सो जब हम ये वेक्टराइजेशन परफॉर्म कर रहे होंगे, तो हम एक इम्पॉर्टेंट चीज करेंगे, और वो इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि हम स्टॉप वर्ड्स को कंसिडर नहीं करेंगे. स्टॉप वर्ड्स क्या होते हैं इंग्लिश में? स्टॉप वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए यूज होते हैं, बट उनका एक्चुअल सेंटेंस की मीनिंग में कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होता. जैसे कि आर, एंड, ऑफ, टू, फ्रॉम, ये सारे स्टॉप वर्ड्स हैं. इंग्लिश में स्टॉप वर्ड्स सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए यूज किए जाते हैं, सेंटेंस की मीनिंग में उनका कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होता. सो जब हम ये पूरा प्रोसेस कर रहे होंगे तो हम इन वर्ड्स को हटा देंगे. हम जैसे कि यहां पर अगर आप देखो, इनको हटा देंगे, अ को हटा देंगे, इसको हटा देंगे, टू को हटा देंगे, और बाकी जो वर्ड्स बचेंगे उनके ऊपर हम वेक्टराइजेशन परफॉर्म करेंगे. ये आपको याद रखना है, ठीक है? अब ये सोचने में और सुनने में और समझने में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट हमें मैन्युअली कुछ नहीं करना है. आप कर सकते हो, आप चाहो तो मैन्युअली भी ये काम कर सकते हो कि आप सारे स्ट्रिंग्स को जोड़ो, मोस्ट कॉमन वर्ड्स को एक्सट्रैक्ट करो और वेक्टराइजेशन खुद से करो. इनफैक्ट मैंने अपने चैनल पे किसी एक वीडियो में ये किया भी है. बट गुड थिंग इज कि हमारे पास लाइब्रेरीज अवेलेबल है, साइकिट लर्न हमारे पास है, हम साइकिट लर्न को यूज करेंगे. साइकिट लर्न के अंदर आपके पास एक लाइब्रेरी होता है, एक फंक्शन होता है काउंट वेक्टराइजर. काउंट वेक्टराइजर हम ये फंक्शन यूज करेंगे, ठीक है? एक्चुअली ये क्लास है, ये क्लास यूज करेंगे और ये बहुत इजीली हमारा काम कर देगा. मैं आपको करके दिखाता हूँ इनफैक्ट. सो व्हाट आई विल डू इज आई विल फर्स्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम sklearn डॉट फीचर एक्सट्रैक्शन डॉट टेक्स्ट. आई विल इम्पोर्ट काउंट वेक्टराइजर. इसका मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, सीवी काउंट वेक्टराइजर. अब यहाँ पे बहुत सारे हाइपर पैरामीटर्स हैं, बट मुझे सिर्फ चाहिए है दो चीजें. फर्स्ट मुझे चाहिए है आई वॉन्ट मैक्स फीचर्स विच विल टेल कि कितने वर्ड्स आपको लेने हैं, ठीक है? तो मैक्स फीचर्स का वैल्यू आई विल सेट टू आई जस्ट टाइप मैक्स फीचर्स इक्वल टू 5000. और एक और चीज जो मुझे प्रोवाइड करनी है वो है स्टॉप वर्ड्स. सो यहाँ पे कहीं स्टॉप वर्ड्स का भी ऑप्शन होना चाहिए. एनालाइजर वर्ड पता नहीं मुझे दिख नहीं रहा है, कैसे आपको दिख गया होगा. हाँ ये रहा. सो व्हाट वी विल डू इज वी विल राइट स्टॉप वर्ड्स इंग्लिश. इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड्स को हटा देना है, स्टॉप वर्ड्स को हटा देना है, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, हम सीवी जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको यूज करेंगे बाय राइटिंग सीवी डॉट फिट ट्रांसफॉर्म, और यहां पे हम पास कर देंगे डीएफ का टैग्स, और हम इसको एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट करेंगे इनटू अ नंपाई एरे. क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्या होगा कि इसमें काफी सारी वैल्यूज जीरो होंगी, तो बाय डिफॉल्ट काउंट वेक्टराइजर आपको जो ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है वो एक साइपाई स्पार्स मैट्रिक्स होता है, उसको हम नंपाई एरे में कन्वर्ट कर देंगे बिकॉज हमें नंपाई एरे की जरूरत है. और डीएफ नहीं है, इट इज न्यू डीएफ, एंड यू कैन सी गाइस दिस इज द आउटपुट. अगर आप इसका शेप निकालो तो द शेप इज दिस. हमारे पास इतनी मूवीज है 4806, और हमने 5000 वर्ड्स के हिसाब से वो ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, ठीक है? सो हम क्या करते हैं, हम इसको वेक्टर्स बोलते हैं,
लाइक दिस। सो अब अगर आप वेक्टर्स का बात करो तो हमारे पास यहाँ पे हर मूवी वेक्टर फॉर्म में आ चुकी है। सो अगर मैं आपको फर्स्ट मूवी दिखाऊं, दिस इज द फर्स्ट मूवी एवटार, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे जीरोज होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि हमने 5000 वर्ड्स लिए हैं, तो एक सिंगल मूवी में 5000 वर्ड्स तो होने से रहे, तो जो भी वर्ड्स हैं उनके नीचे नंबर्स होंगे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो जीरो रहेगा, स्पार्स रहेगा ये मैट्रिक्स बेसिकली। बट या हमारा यहाँ तक का काम हो गया। सो गाइज द गुड पार्ट अबाउट दिस क्लास काउंट वेक्टराइजर इज कि आप देख सकते हो कि ये 5000 मोस्ट फ्रीक्वेंट वर्ड्स क्या हैं, ठीक है। सो हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया सीवी के पास बहुत सारे मेथड्स हैं, इनमें से एक मेथड है गेट फीचर नेम्स, ठीक है। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आपको एक लिस्ट मिलेगा जिसमें ऑब्वियसली 5000 आइटम्स होंगे, और ये वही 5000 वर्ड्स हैं जो सबसे ज्यादा बार हमारे कॉर्पस में आए हैं। कॉर्पस मतलब सारे के सारे टैग्स को जब आप जोड़ के बड़ा स्ट्रिंग बनाते हो उसको आप कॉर्पस बोलते हो। सो यू कैन सी दीज आर द वर्ड्स, सो 000, 007, 10, काफी सारे शुरू में न्यूमेरिकल टर्म्स हैं, उसके बाद कुछ अल्फा न्यूमेरिक टर्म्स हैं लाइक दिस, और उसके बाद फिर यहाँ से वर्ड्स स्टार्ट होना शुरू हो रहे हैं, ठीक है। जैसे कि ये शायद किसी बंदे का नाम है, अबैंडन्ड, अबडक्टेड, ये भी किसी बंदे का नाम है, एबिलिटीज, एबिलिटी, दीज आर द वर्ड्स बेसिकली, और ये अल्फाबेटिकली अरेंज्ड है वैसे, एक्ट, एक्टिंग, एक्शन हीरो, एक्शन, एक्शंस। सो क्लियरली यहाँ पे मुझे दो इश्यूज हैं, ये जो वर्ड्स फॉर्म हुए हैं इसमें मुझे दो इश्यूज हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि एक्शन और एक्शंस, ये एक एग्जांपल हो सकता है, मतलब दोनों सेम वर्ड हैं बस अलग ढंग से यूज हुए हैं, तो दो अलग फीचर्स बन गए मेरे डेटा में, ये अच्छी बात नहीं है। मतलब इनको सेम होना चाहिए, मतलब ये दो अलग वर्ड्स नहीं होने चाहिए, जैसे एक्टिविटीज और एक्टिविटी, ये दो अलग वर्ड्स नहीं होने चाहिए, सिंगल वर्ड होना चाहिए, ठीक है। एक्टर, एक्टर्स, सेम वर्ड होना चाहिए, राइट। तो पहला प्रॉब्लम तो ये है, और दूसरा प्रॉब्लम मुझे ये डिजिट्स को लेकर के है, बट डिजिट्स का हो सकता है कुछ कॉन्टेक्चुअल मीनिंग हो, जैसे 1930s का एक कॉन्टेक्चुअल मीनिंग है कि ये मूवी 1930s की कहानी बता रही है, राइट। तो किसी और मूवी में भी अगर 1930s आ रहा है तो वो भी 1930s की कहानी बता रही है, तो इसमें मुझे उतना प्रॉब्लम नहीं है जितना मुझे ये सिमिलर वर्ड्स जो बार बार यूज हो रहे हैं इससे परेशानी है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं स्टेमिंग अप्लाई करता हूँ। सो स्टेमिंग क्या होता है, स्टेमिंग एक टेक्निक होता है जिससे आप मान लो अगर आपके पास एक लिस्ट है जिसमें आपके पास मान लो लव्ड है, लविंग है और लव है, तो स्टेमिंग अगर आप इसके ऊपर अप्लाई करोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो ये हो जाएगा, तीनों जगह पे आपका सेम वर्ड आ जाएगा, ठीक है। डांसिंग, डांस, डांस, तीनों के लिए डांस आ जाएगा, ठीक है। तो वही मैं करने वाला हूं। मैं क्या करूंगा कि मैं इस डेटा के ऊपर ही स्टेमिंग अप्लाई कर दूंगा। सो उसके लिए हमें एक लाइब्रेरी की जरूरत पड़ेगी, उस लाइब्रेरी का नाम है NLTK, शायद आपने नाम सुना होगा, बहुत ही फेमस नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग लाइब्रेरी है। मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, आपको इंस्टॉल करना पड़ सकता है। इंस्टॉल कैसे करोगे, यू हैव टू सिंपली राइट पिप इंस्टॉल NLTK, थोड़ी बड़ी लाइब्रेरी है, टाइम लग सकता है। तो अब आपको क्या करना है, आपको NLTK में से फ्रॉम NLTK.stem.porter, I will import, there is a class called porter stemmer, इसका मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूं porter stemmer, और अब मैं एक हेल्पर फंक्शन बना रहा हूं जिसका नाम है स्टेम। हमें एक टेक्स्ट मिलेगा, हमारे पास हम एक लिस्ट क्रिएट करेंगे फॉर आई इन टेक्स्ट डॉट स्प्लिट करेंगे, स्ट्रिंग को लिस्ट में कन्वर्ट कर देंगे, फिर हम हर वर्ड को स्टेम करते जाएंगे, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ इनफैक्ट, जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं ps.stem, अगर आप करते हो loved का
तो यू विल गेट लव. अगर आप लविंग के लिए भी करोगे तो भी आपको लव मिलेगा, और अगर आप लव के लिए करोगे तो भी आपको लव ही मिलेगा. ठीक है, अगर आप डांसिंग के लिए करोगे तो डी एन सी मिलेगा, ये आपका रूट टर्म होता है. अगर आप डांस करोगे तो भी डांस मिलेगा, और डांस लिखोगे तो भी डांस मिलेगा. ठीक है, तो हम वही करने वाले हैं, हम यहाँ पे स्टेम कर देंगे और वापस वाई में स्टोर कर देंगे लाइक दिस. ओके, और फिर हम क्या कर रहे हैं, हम वापस इस लिस्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं. तो वी आर राइटिंग ज्वाइन वाई, और ये मेरा स्ट्रिंग हो गया. इनफैक्ट इसको मैं डायरेक्टली रिटर्न भी कर सकता हूँ, रिटर्न. ठीक है, ये मेरा फंक्शन बन गया. देखो मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ और नीचे जा रहा हूँ और मैं लिख रहा हूँ स्टेम, और ये पेस्ट कर दिया, ये पेस्ट कर दिया. और ये देखो गाइस, मरीन, दिस इज एम ए आर आई एन ई, उसका रूट वर्ड इज दिस यूनिक. ठीक है, स्टेमिंग में कुछ वियर ढंग से चीजें होती हैं, रोमांस. ठीक है, सो काम कर रहा है ये वाला चीज. अब बस मुझे कोड लिखना है, और वो कोड ये होगा कि आई वुड राइट न्यू डीएफ का टैग्स डॉट अप्लाई स्टेम, और इसको रन कर दिया. एंड यू कैन सी ये हमारा हो गया. अब मैं बस इसको वापस इसमें ही स्टोर कर लेता हूं लाइक दिस. सो स्टेमिंग हमारा हो गया है. अब वापस जा रहा हूं मैं, और फिर से ये सारे स्टेप्स रिपीट कर रहा हूं. सो फिर से इसको इंपोर्ट किया, वेक्टर्स बनाए, और फिर से फीचर नेम्स को फेच किया. सो इस बार हमें थोड़े चेंजेस दिखने चाहिए. सो नंबर्स तो वैसे ही हैं, नंबर्स में तो चेंजेस नहीं आएंगे. थोड़ा नीचे जाके देखते हैं, एबिल अबव अकैडमिक अ कंपनी अकम्प्लिश. सो या अब वर्ड्स रिपीट नहीं हो रहे. जैसे एक्शन है तो सिर्फ एक ही बार एक्शन आ रहा है, एक्टर है तो सिर्फ एक ही बार एक्टर आ रहा है. सो हमारा काम हो गया. ठीक है, सो या गाइस, दिस इज इट. हमने जो प्रॉब्लम था उसको सॉल्व कर लिया. अब हमारे पास वेक्टर्स है, वेक्टर्स मतलब हर मूवी वेक्टर में कन्वर्ट हो चुका है. अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है कि हमें हर मूवी का, हमारे पास टोटल 4806 मूवीज है. अगर हम बात करें तो हमारे पास टोटल 4806 मूवीज हैं, और इसका मतलब उतने ही हमारे पास वेक्टर्स भी हैं. ठीक है, इस तरीके से हमारे पास 4806 वेक्टर्स हैं, और हर वेक्टर में देर आर 5000 नंबर्स. ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें हर मूवी का, सिंस हम एक 5000 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट स्पेस की बात कर रहे हैं, हर मूवी वहां पर एक वेक्टर है, हर मूवी वहां पर एक वेक्टर है. हमें क्या करना है, हर मूवी का हर दूसरी मूवी के साथ डिस्टेंस कैलकुलेट करना है. ध्यान से सुनना, हमें हर मूवी का हर दूसरी मूवी के साथ डिस्टेंस कैलकुलेट करना है. डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा सिमिलैरिटी उतना कम होगा. ठीक है, अब यहां पर एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हम यूक्लिडियन डिस्टेंस कैलकुलेट नहीं करेंगे, इंस्टेड वी विल कैलकुलेट कोसाइन डिस्टेंस. अगर ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, तो यूक्लिडियन डिस्टेंस होगा इनका टिप टू टिप डिस्टेंस. दिस इज यूक्लिडियन डिस्टेंस, ये आपको पता भी है, रूट ओवर ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर. हम ये कैलकुलेट नहीं करेंगे, इंस्टेड विल कैलकुलेट द एंगल बिटवीन देम. कोसाइन डिस्टेंस इसी को बोलते हैं, हम इसके बीच का एंगल निकालेंगे. अगर ये एंगल बहुत छोटा है, मान लो अगर जीरो है तो इट्स बेसिकली द सेम वेक्टर. अगर फाइव है तो बहुत छोटा सा डिस्टेंस होगा, अगर टेन है तो थोड़ा और ज्यादा डिस्टेंस होगा, अगर नाइन्टी है तो 90 डिग्री का एंगल होगा. मतलब बहुत डिससिमिलर है मूवीज. अगर 180 है तो एकदम ही ऑपोजिट मूवीज है.
ठीक है, तो जब भी आप बहुत हाई डायमेंशनल डेटा के साथ डील करते हो, दिस इज 5000 डायमेंशनल स्पेस, हमेशा याद रखना जितना हाई डायमेंशनल डेटा में आप काम करोगे यूक्लिडियन डिस्टेंस उतना फेल करता है. यूक्लिडियन डिस्टेंस इज नॉट अ गुड मेजर. इसका मैंने डिस्क्रिप्शन दिया था जब मैंने कर्स ऑफ डायमेंशनैलिटी पढ़ाया था. हायर डायमेंशन में यूक्लिडियन डिस्टेंस इज नॉट अ रिलायबल मेजर. सो वॉट यू कैन यूज इज यू कैन यूज कोसाइन डिस्टेंस, ठीक है, विच इज बेसिकली द थीटा ऑफ थीटा बिटवीन टू वेक्टर्स. जितना थीटा छोटा है उतनी मूवीज सिमिलर है, उनके बीच का डिस्टेंस कम है. मतलब हमेशा याद रखना डिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सिमिलैरिटी. तो डिस्टेंस ज्यादा तो सिमिलैरिटी कम, सिमिलैरिटी कम तो डिस्टेंस ज्यादा, ठीक है. तो हमें कोसाइन डिस्टेंस निकालना है हर मूवी का, हर मूवी के साथ, ठीक है. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा एक फंक्शन है हमारे पास scikit-learn में, उसको बोला जाता है कोसाइन सिमिलैरिटी, और वो हमें यहाँ पे मिलता है कोसाइन सिमिलैरिटी. सो व्हाट यू हैव टू डू इज बहुत सिंपल है, मतलब यहाँ से चीजें बहुत सिंपल हो जाती हैं. व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू गो डाउन एंड यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पोर्ट फ्रॉम sklearn sklearn.matrix.pairwise इम्पोर्ट कोसाइन डिस्टेंसेस भी होता है सिमिलैरिटी भी होता है. हम सिमिलैरिटी ले रहे हैं, ठीक है. सिमिलैरिटी इज लाइक द इनवर्स ऑफ डिस्टेंस, हमेशा जीरो से वन के बीच में होगा. वन अगर है तो सिमिलैरिटी बहुत ज्यादा है, और जीरो अगर है तो सिमिलैरिटी बहुत कम है, ठीक है. तो हम कोसाइन सिमिलैरिटी ले रहे हैं, और अब हमें क्या करना है, कोसाइन सिमिलैरिटी फंक्शन में हमें पूरा का पूरा अपना वेक्टर्स को पास कर देना है. वेक्टर्स हमारे पास 4806 वेक्टर्स हैं, हम सारे वेक्टर्स को पास कर देंगे और फिर हर वेक्टर का हर दूसरे वेक्टर के साथ डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे. सो दिस स्टेप विल टेक सम टाइम एंड यू कैन सी दिस इज द रिजल्ट. और अगर आप रिजल्ट का शेप निकालो तो द शेप इज 4806 4806, और लॉजिकल भी है ये. हर मूवी के साथ डिस्टेंस निकालना है, तो पहली मूवी का 4806 मूवीज के साथ डिस्टेंस निकालना है, फिर दूसरी मूवी का 4806 मूवीज के साथ डिस्टेंस निकालना है, फिर तीसरी मूवी का 4806 मूवीज के साथ डिस्टेंस निकालना है, लास्ट मूवी का 4806 मूवीज के साथ डिस्टेंस निकालना है. तो हम टोटल कितने डिस्टेंसेस कैलकुलेट कर रहे हैं, 4806 मल्टीप्लाइड बाय 4806, ठीक है. तो हम क्या करते हैं, ये जो सारे डिस्टेंसेस कैलकुलेट हो रहे हैं इसको हम एक वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं सिमिलैरिटी बोल के, ठीक है. ये रहा हमारा सिमिलैरिटी मैट्रिक्स. अब सिमिलैरिटी मैट्रिक्स में अगर आप देखो तो इट इज एन एरे ऑफ एरेज. इसका शेप इज 4806, 4806. अब इसमें से अगर आप फर्स्ट एरे को निकालते हो तो ये फर्स्ट एरे क्या है, ये पहली मूवी का हर मूवी के साथ जो सिमिलैरिटी है वो बता रहा है. सो यू कैन सी इसमें टोटल मिला के 4806 आइटम्स होंगे, हर पहली मूवी का हर मूवी के साथ डिस्टेंस. अब सोच के देखो पहली मूवी के साथ सिमिलैरिटी स्कोर कितना होना चाहिए, 1. दैट इज व्हाई यू कैन सी कि इट इज कमिंग आउट टू बी 1. सिमिलरली अगर मैं सेकंड मूवी का हर मूवी के साथ स्कोर निकालूं तो यू कैन सी कि सेकंड मूवी के साथ बेसिकली खुद के साथ सिमिलैरिटी स्कोर क्या है, 1. सो बेसिकली ये जो मैट्रिक्स आपके पास है इसका डायगोनल विल ऑलवेज बी 1. लास्ट मूवी का लास्ट मूवी के साथ डिस्टेंस एज इन सिमिलैरिटी विल बी 1, ठीक है. तो आई होप आपको यहां तक समझ में आ रहा है. अब यहां से हमें क्या करना है, हमें एक फंक्शन बनाना है रिकमेंड बोल के, जिसमें अगर कोई मुझे एक मूवी देता है तो ये मुझे पलट करके फंक्शन 5 सिमिलर मूवीज का नाम बताएगा. ये मुझे अभी नेक्स्ट करना है. अब देखो गाइस स्टेप बाय स्टेप करते हैं. सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे कोई मूवी दी जाए, देखो स्टेप बाय स्टेप मुझे करना क्या है, मुझे अगर मूवी दी जाए तो सबसे पहले मुझे उस मूवी का इंडेक्स निकालना पड़ेगा मेरे डेटा के अंदर, ठीक है. इंडेक्स से मैं सिमिलैरिटी मैट्रिक्स में घुसूंगा और वो पर्टिकुलर इंडेक्स की मूवी निकालूंगा. जैसे मान लो मुझे एवतार दिया गया, तो एवतार का मेरे डेटा में इंडेक्स इज 0, तो मैं सिमिलैरिटी का 0th एरे को निकालूंगा. ये एवतार का डिस्टेंस है हर मूवी के साथ. अब मैं इन डिस्टेंसेस को सॉर्ट करूंगा, मतलब सबसे ज्यादा सिमिलर मूवीज जो हैं वो सबसे पहले आ जाएंगी और जो कम सिमिलर मूवीज हैं वो पीछे चली जाएंगी, और फिर जो मैं टॉप 5 सिमिलर मूवीज हैं उनको फेच करके उनको दिखा दूंगा, ठीक है. सो करना मुझे यही है. तो सबसे पहले काम करते हैं, लेट्स फेच द इंडेक्स.
इंडेक्स कैसे फेच करते हैं, बहुत सिंपल है. सो ये मेरा डेटा फ्रेम है, ये मेरा डेटा फ्रेम है. अब इसमें अगर मुझे एक मूवी दी जाती है, एवतार मान लो, तो आई एम सॉरी, टाइटल अगर दिया जाता है टू बी इक्वल टू एवतार, तो और इसको अगर मैं वापस न्यू डीएफ में डाल दूं, मास्किंग कर लूं अगर मैं, तो ये फर्स्ट वाला मिल रहा है. और इसका अगर मैं इंडेक्स निकाल लूं और इंडेक्स का भी मैं जीरो निकाल लूं, तो मुझे इंडेक्स पोजीशन मिल जा रहा है. मैं एक बार एक काम करता हूं, बैटमैन बिगिंस का आपको निकाल के दिखाता हूं. मुझे पता है ये मूवी डेटा में है, बैटमैन बिगिंस इज 119, ठीक है. तो जैसे ही मुझे मूवी मिलेगा, इस तरीके से मैं इंडेक्स फेच करूंगा. सो मैं क्या कर रहा हूँ, इस पूरे कोड को कट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, मूवी अंडरस्कोर इंडेक्स विल बी इक्वल टू दिस कोड. यहाँ पे बस बैटमैन बिगिंस के बदले आ जाएगा ये मूवी जो मुझे मिल रही है, ठीक है. अब मुझे इंडेक्स मिल गया, अब बस मुझे क्या करना है, डिस्टेंसेस निकालने हैं. डिस्टेंसेस क्या होगा, सिमिलैरिटी मैट्रिक्स का वो पर्टिकुलर मूवी इंडेक्स, ठीक है. अब मुझे क्या करना है, इन डिस्टेंसेस को सॉर्ट करना है. इन ये जो डिस्टेंस होगा, ये बेसिकली एक ऐसा एरे होगा, मुझे इसको सॉर्ट करना है, ठीक है. अब सॉर्टिंग हो जाएगी, बट देयर इज अ प्रॉब्लम. मैं आपको दिखाता हूँ प्रॉब्लम क्या है. अगर मैं इसको यहीं पे करते हैं, चलो. सो अगर मैं लिखूं सॉर्टेड और यहां पे इसको डाल दूं, तो ये देखो सॉर्टिंग हो गया, बट मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग हुआ है, तो जीरो पहले है और बड़े वाले जो नंबर्स हैं वो बाद में आएंगे. यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है, बट अगर आप इसका माइनस वन निकालो तो वो वन पॉइंट समथिंग है. माइनस माइनस टेन से माइनस वन निकालो, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, माइनस वन निकाले, ये रहे लास्ट के दस नंबर्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे जो सॉर्टिंग करनी है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में करनी है, तो मैं लिखूंगा रिवर्स इक्वल्स ट्रू. एंड नाउ यू कैन सी, शुरू में हमारे पास वो मूवीज हैं जो ज्यादा सिमिलर है, ठीक है. तो मुझे बेसिकली ये पांच मूवीज निकालनी है, बट देयर इज अ प्रॉब्लम. जैसे ही मैं सॉर्टिंग कर रहा हूं, तो इंडेक्स पोजीशन तो लूज हो जा रहा है, राइट. अभी तक मैं कैसे इस पूरी चीज को रीड कर रहा था, अगर आपको याद होगा मैं इस पूरी चीज को रीड कैसे कर रहा था, मैं आपको दिखाता हूं. इसको रीड करने का मेरा तरीका ये था कि अगर हमने यहाँ पे जीरो डाला है, मतलब मैं फर्स्ट मूवी का सारी मूवीज के साथ सिमिलैरिटी देख रहा हूँ, तो फर्स्ट मूवी का फर्स्ट मूवी के साथ सिमिलैरिटी वन है, फर्स्ट मूवी का सेकंड मूवी के साथ सिमिलैरिटी इतना है, फर्स्ट मूवी का थर्ड मूवी के साथ सिमिलैरिटी इतना है. बट सोचो अगर मैं इसको सॉर्ट कर दूं इस डेटा को, तो इंडेक्स पोजिशन तो पूरा चेंज हो गया. फिर तो मैं ये नहीं बोल सकता ना कि फर्स्ट मूवी का फर्स्ट मूवी के साथ सिमिलैरिटी इतना है, क्योंकि सॉर्टिंग करके तो कहीं और की वैल्यू यहां पे आ गई और यहां वाली वैल्यू कहीं और चली गई, तो इंडेक्स पोजीशन लूज हो गया. समझ में आ रहा होगा आपको आई गेस. तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका इंडेक्स पोजीशन किसी तरीके से पकड़ के रखना पड़ेगा. जैसे ये फर्स्ट मूवी का फर्स्ट मूवी के साथ सिमिलैरिटी है, ये हमें पकड़ के रखना पड़ेगा. ये फर्स्ट मूवी का सेकेंड मूवी के साथ सिमिलैरिटी है, ये सेकेंड पोजीशन हमें पकड़ के चलना पड़ेगा. और इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इन्यूमरेट फंक्शन को कॉल करेंगे. इन्यूमरेट फंक्शन को आप जैसे ही कॉल करोगे, आपको ये एक ऑब्जेक्ट मिलेगा, इन्यूमरेट ऑब्जेक्ट. आप इसको जैसे लिस्ट में कन्वर्ट करोगे, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कर रहा हूं. ये देखो, तो सडनली से ये जो लिस्ट था, अब वो लिस्ट ऑफ टपल्स बन गया. अब यहां पे देखो क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जीरोथ मूवी का जीरोथ मूवी के साथ डिस्टेंस ये है, जीरोथ मूवी का फर्स्ट मूवी के साथ डिस्टेंस ये है, जीरोथ मूवी का सेकेंड मूवी के साथ डिस्टेंस ये है. सो बेसिकली मैंने डिस्टेंसेस के साथ इंडेक्स पोजिशन क्रिएट कर लिए, ठीक है. अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सॉर्टिंग अप्लाई करना है. सो आई वुड राइट सॉर्टेड और रिवर्स इक्वल्स ट्रू. अब ये देखो सॉर्टिंग हुआ, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि सॉर्टिंग हुआ इंडेक्स पोजीशन के बेसिस पे. सबसे लास्ट वाली मूवी सबसे पहले आ गई, हमें वो नहीं चाहिए था, हमें सेकंड वाले के बेसिस पे चाहिए था. तो हमें यहां पर एक छोटा सा चेंज करना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा
लैम्डा एक्स एक्स वन एंड दिस इज द कोड गाइस. इस कोड से हम बता रहे हैं कि हमें फर्स्ट वाले नंबर के बेसिस पे सॉर्टिंग नहीं करना, हमें सेकंड वाले नंबर के बेसिस पे सॉर्टिंग करना है. सो यू कैन सी आपकी जो मूवी है एवतार, उससे सबसे सिमिलर मूवी जो है वो है 1216, 2409, 3730, 507 और 539. सो अब हम क्या करेंगे, ये जो लिस्ट मुझे मिल रहा है इस लिस्ट में से मैं पहले आइटम से लेकर के छठे आइटम तक 1 2 3 4 5 पांच चीजों को निकालूंगा और ये रही वो पांच मूवीज, ये रही वो पांच मूवीज. सो मैं यहां पे लिखूंगा मूवीज लिस्ट इज इक्वल टू, आई विल कॉपी दिस एंटायर कोड एंड आई विल पेस्ट इट ओवर हियर. ठीक है, बस यहां पे सिमिलैरिटी के बदले आ जाएगा डिस्टेंसेस और यहां पे हमें जीरो देने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमने वो ऑलरेडी कर लिया. ठीक है, डिस्टेंसेस सब कुछ सेम है और अब हम क्या करेंगे, एक एक करके मूवीज का लिस्ट को प्रिंट कर देंगे. सो वी विल राइट फॉर आई इन मूवी मूवीज लिस्ट, हर बार एक टपल मिलेगा, ये टपल मिलेगा और हम क्या करेंगे, हम प्रिंट करते जाएंगे आई का जीरो. ठीक है, आई का जीरो मतलब ये वाला नंबर, कुछ रिटर्न नहीं कर रहा ये रहा हमारा फंक्शन. सो अगर मैं लिखूं रिकमेंड और यहां पे मैं पास करूं एवतार, ये रही वो पांच मूवीज, 1216, 2409, 3730, 507, 539. बट इंडेक्स से तो फायदा होगा नहीं, मुझे इस इंडेक्स से मूवी का नाम फेच करना है, बेसिकली उल्टा प्रोसेस. सो मैं फिर से क्या करूंगा, मैं लिखूंगा न्यू डीएफ, ये रहा न्यू डीएफ और न्यू डीएफ में अगर मैं आईलॉग के अंदर 1216 डालूं तो मुझे मिल रही है वो मूवी एलियंस वर्सेस प्रीडेटर्स. ठीक है, और मुझे उसका निकालना है टाइटल, ये रहा टाइटल. सो मैं क्या करूंगा, मैं इस कोड को कॉपी करूंगा और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा लाइक दिस और ये 1216 के बदले आ जाएगा आई का जीरो लाइक दिस और अब ये प्रिंट करने की जरूरत नहीं है. दिस इज द फंक्शन और ये रहा हमारा रिकमेंडेशन. सो यू कैन सी एलियंस वर्सेस प्रीडेटर, एलियंस, फाल्कन राइजिंग, इंडिपेंडेंस डे, टाइटन ए, मेरे ख्याल में ये सारी मूवीज एलियंस के ऊपर है. एक बार बैटमैन बिगिंस देखते हैं, लिटमस टेस्ट हो जाएगा, द डार्क नाइट, द डार्क नाइट राइजेस, बैटमैन, कोई और बैटमैन, टेंथ एंड वुल्फ. सो या इट्स वर्किंग आई गेस, काम कर रहा है ये चीज. और अगर यहाँ पे काम कर रहा है तो अब बस हमें क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है इनटू अ वेबसाइट. ठीक है, सो दैट्स द नेक्स्ट टास्क. मॉडल बिल्डिंग हमने कर लिया है, आप चाहो तो उसको थोड़ा और इम्प्रूव कर सकते हो, बट सिंस एक वीडियो में मुझे सब कुछ करना है तो अभी मैं और ज्यादा नहीं कर रहा, बट फ्यूचर में मैं थोड़ा सा इसके बारे में और बात करूंगा कि इसका एक्यूरेसी वगैरह कैसे हैंडल किया जाता है. बट इस पॉइंट पे इट इज अ डिसेंट रिकमेंडर सिस्टम सिंस मैंने मल्टीपल टाइम्स बनाया है, मुझे आइडिया है. सो या नेक्स्ट स्टेप इज टू कन्वर्ट दिस एंटायर थिंग इनटू अ वेबसाइट. सो गाइज, वेबसाइट बनाने का सारा काम हम लोग पाइचार्म के अंदर करेंगे. आई होप आपके पास पाइचार्म इंस्टॉल्ड है, इट्स एन IDE फॉर पाइथन डेवलपमेंट. और मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले आई विल क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट. आई विल क्रिएट दिस न्यू प्रोजेक्ट बाय द नेम ऑफ एम मूवी रिकमेंडर सिस्टम. ठीक है, और आई विल क्रिएट अ वर्चुअल एनवायरनमेंट, मतलब मैं सिंस मुझे इसको डिप्लॉय करना है तो मैं वर्चुअल एनवायरनमेंट यूज करूंगा. मैं एग्जिस्टिंग इंटरप्रेटर यूज नहीं कर रहा, उससे क्या होगा कि जितनी भी लाइब्रेरीज मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखी हैं वो सब इंस्टॉल होने लग जाएंगी सर्वर पे, वो मुझे नहीं चाहिए. मुझे बस वही लाइब्रेरीज इंस्टॉल करनी है सर्वर पे जिसकी जरूरत इस प्रोजेक्ट में है, एंड दैट इज व्हाई आई एम टेकिंग वर्चुअल एनवायरनमेंट. मेरा इंटरप्रेटर इज पाइथन 3.9, सबसे रिसेंट वाला. मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया. अब प्रोजेक्ट के अंदर सबसे पहले आई विल क्रिएट अ न्यू फाइल, थोड़ा वेट करते हैं.
So this is the project. I'll create a new file first of all. एक पाइथन फाइल बना रहा हूँ जिसका नाम ऐप है, ठीक है. और सबसे पहले ये जो वेबसाइट हम बनाएंगे इसके लिए आप फ्लास्क यूज कर सकते हो, बट मैं स्ट्रीमलेट यूज कर रहा हूँ. इट्स अ लाइब्रेरी, थोड़ा इजी हो जाता है, ठीक है. सो आई विल इम्पोर्ट स्ट्रीमलेट एज एसटी. एंड ऑब्वियसली सिंस ये वर्चुअल एनवायरनमेंट है, ये एरर आना चाहिए था बट अभी नहीं आ रहा है. इट्स ओके. लेट्स गो टू मीनवाइल स्ट्रीमलेट के डॉक्यूमेंटेशन पे, क्योंकि एक नई लाइब्रेरी करते टाइम आपको डॉक्यूमेंटेशन हमेशा ओपन करके रखना चाहिए. सो हमें सबसे पहले क्या करना है कि मुझे जाना है API रेफरेंस में, और वहां से मुझे सबसे पहले टेक्स्ट को डिस्प्ले करने के लिए देखना है कि क्या कर सकते हैं हम. जितना मुझे याद है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ये एरर आएगा क्योंकि सिंस ये वर्चुअल एनवायरनमेंट है, यहाँ पे अभी कोई भी लाइब्रेरीज इंस्टॉल नहीं है. सबसे पहले हमें ये लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी. सो हम टर्मिनल में जा रहे हैं और यहाँ पे हम कमांड लिख रहे हैं pip install streamlit, और ऑब्वियसली आपको इंटरनेट से कनेक्टेड होना पड़ेगा. ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा. एंड या यू कैन सी गाइज, ये इंस्टॉल हो गया है. अब हमारा आईडी थोड़ा इंडेक्सिंग करेगा और उसके बाद ये एरर हट जाएगा. Meanwhile, मैं कोड स्टार्ट कर रहा हूँ. सो आई वुड राइट एसटी डॉट टाइटल बोल के एक फंक्शन होता है जहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मूवी रिकमेंडर सिस्टम, ठीक है. और एक बार मैं आपको रन करके दिखाता हूँ. रन करने के लिए कमांड होता है स्ट्रीमलेट रन आपके फाइल का नाम ऐप डॉट पी वाई. ऑटोमेटिकली एक वेब पेज खुल जाएगा आपके मशीन पे, और ये रहा गाइस, फिलहाल ऐसा दिखाई दे रहा है, फिलहाल ऐसा दिखाई दे रहा है. अब मुझे क्या करना है, इसके नीचे में एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना है जहाँ पे यूज़र टाइप करेगा, ठीक है. तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, मैं उसके लिए फॉर्म रिलेटेड चीज़ें मुझे चाहिए हैं. सो आई विल गो डाउन. So yeah, I will use this select box. ठीक है, इसका कोड यहाँ पे है. I will copy this code and I will paste it over here like this. और इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, ठीक है. This is a select box. एक बार देखते हैं इसका output कैसा आ रहा है. So you can see this is the output. हमें ये सब ऑप्शंस आ रहे हैं यहाँ पर. यू कैन ऑल्सो टाइप लाइक दिस होम फोन, ठीक है. अब ऑब्वियसली यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे मूवीज का लिस्ट दिखाना है जहाँ पे ये सब कुछ आ रहा है. मुझे यहाँ पे मूवीज का लिस्ट दिखाना है. सो मेरे पास जितनी भी मूवीज है उनका लिस्ट दिखाना है. अब वो लिस्ट मेरे पास यहाँ पर है इस फाइल में, तो मुझे किसी भी तरीके से इस फाइल से मूवीज का लिस्ट को भेजना पड़ेगा हमारे वेबसाइट वाले कोड में. तो इसके लिए हम पिकल लाइब्रेरी को यूज कर सकते हैं. आई विल यूज पिकल, और मैं लिख रहा हूँ पिकल डॉट डम्प. मैं डम्प कर रहा हूँ न्यू df को, और मैं ओपन कर रहा हूँ एक फाइल. मैं इसको बोल रहा हूँ मूवीज डॉट pkl, और इसको मैं ओपन कर रहा हूँ राइट बाइनरी मोड में, और ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर मूवीज डॉट pkl आ गया है. मुझे क्या करना है, मुझे अपने मशीन पे जाना है और यहाँ पे आई हैव टू गो टू यूजर्स, और वहाँ से आई हैव टू गो टू मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स. मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स ये रहा, और मूवी रिकमेंडर सिस्टम मूवीज डॉट पी के एल. मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, वापस जा रहा हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ. यहाँ पे आ गया, ठीक है. अब हमें क्या करना है, सबसे पहले आई हैव टू इम्पोर्ट पिकल, उसके बाद मूवीज का लिस्ट विल बी इक्वल टू पिकल डॉट लोड, ओपन फाइल का लोकेशन मूवीज डॉट पी के एल, और इसको हम ओपन कर रहे हैं रीड बाइनरी मोड में, ठीक है. सो मूवीज लिस्ट में हमारा ये वाला डेटा फ्रेम होगा,
ये डेटा फ्रेम होगा हमारे पास न्यू डीएफ, ठीक है। न्यू डीएफ में से अगर मुझे मूवीज का लिस्ट चाहिए तो मैं लिखूंगा टाइटल और उसमें लगा दूंगा वैल्यूज। सो ये जो एरे है इसमें सारी मूवीज का नाम है। सो हमें यही करना है, हम क्या करेंगे, हम यहां पे लिखेंगे मूवीज लिस्ट इज इक्वल टू मूवीज लिस्ट का टाइटल डॉट वैल्यूज, और रादर देन पासिंग दिस टपल आई विल पास मूवीज लिस्ट, और अब देखते हैं कोई फायदा हुआ या नहीं। ओके, सो यहाँ पे ये एरर आ रहा है, दिस इज मे बी बिकॉज ऑफ हमने पैंडास इंस्टॉल नहीं किया है, मे बी पैंडास का इंटरनली जरूरत पड़ रहा है इस कोड में, मे बी इसकी वजह से हो रहा है। लेट्स सी कोई फायदा होता है कि नहीं। सो गाइस, थोड़ा पंगा हो गया है, और somehow मतलब मैंने गूगल करने का ट्राई किया, बट पैंडास का डेटा फ्रेम को मैं पिकल करके दूसरी जगह नहीं ले जा पा रहा हूँ, और अगर मैं ले जा रहा हूँ तो एरर थ्रो हो रहा है मतलब। तो एक सेकेंड जुगाड़ मेरे दिमाग में आया है, वो ये है कि एट द एंड आपका डेटा फ्रेम इज नथिंग बट अ डिक्शनरी। तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने डेटा फ्रेम को डिक्शनरी में कन्वर्ट कर सकते हो यूजिंग द टू डिक्ट फंक्शन। सो दिस इज अ डिक्शनरी। मैं क्या सोच रहा हूँ, रादर देन ट्रांसफरिंग द डेटा फ्रेम टू दैट वेबसाइट वाला कोड, हम डिक्शनरी को भेजते हैं, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि रादर देन सेंडिंग द डेटा फ्रेम आई विल सेंड द डिक्शनरी। और इसका नाम रख देते हैं movie dict.pkl, और इस कोड को रन करते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये आ गया movie dict.pkl। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आ गया ये। अब हम क्या करेंगे, अब rather than opening movies we will open movie dict, और इसको भी हम बोल देते हैं movie dict, और हम movies बोल करके एक डेटा फ्रेम बनाएंगे which will be pd dot data frame, और यहाँ पे हम पास कर देंगे movies dictionary को। इसको प्रिंट नहीं कर रहे हैं, इसको हटा रहे हैं, और ये रहा मेरा डेटा फ्रेम। अब मुझे क्या करना है, इस डेटा फ्रेम के अंदर से निकालना है टाइटल वाला कॉलम का वैल्यूज। सो दिस इज द कोड, इनडायरेक्ट कोड है, एक एक्स्ट्रा स्टेप करना पड़ा, डेटा फ्रेम यहाँ क्रिएट करना पड़ा। लेट्स सी कि ये क्या रिजल्ट दे रहा है। सो या गाइस, ये हो गया, और ये रहे गाइस हमारी सारी 5000 मूवीज, ठीक है, ऑल द मूवीज। सो अगर मैं यहाँ पे टाइप करूँ MISSION तो हमारे पास ये रिजल्ट आ रहे हैं, ठीक है, द मार्शियन, ठीक है। सो यहाँ तक हो गया, अब बस हमें क्या करना है, हमें मूवी का नाम फेच करना है, और वो हमें ऑप्शन से मिलेगा सेलेक्टेड मूवी नेम, ठीक है। यहाँ पर मैं एक बटन लगा देता हूँ, बटन कैसे लगाना है, बटन लगाने के लिए यहाँ पर कुछ कोड होगा, ये रहा बटन का कोड, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, दिस इज द कोड, कॉपी पेस्ट, और यहाँ पे लिखा होगा रिकमेंड, या और अभी हमारा कोड ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है, रिकमेंड। सो अब इस बटन के क्लिक पे हमें क्या करना है, हमें ये नाम जो भी सेलेक्टेड मूवी का नाम है उसको फेच करना है और उसको डिस्प्ले करवाना है, और वो हमारा स्टोर्ड है सेलेक्टेड मूवी नेम के अंदर। सो अगर मैं इसको रन करूं
और यहाँ से अगर मैं कोई मूवी सेलेक्ट करूँ, टैंगल्ड रिकमेंड पे क्लिक किया, यहाँ पे टैंगल्ड आ रहा है। यहाँ पे अगर मैं स्पाइडरमैन 3 पे क्लिक करूँ, स्पाइडरमैन 3 आ रहा है। ठीक है, तो गाइज अब मेरे पास जो भी मूवी सेलेक्टेड है वो आ रहा है। अब मुझे बस क्या करना है, यहाँ पे रिकमेंड बोल के एक फंक्शन बनाना है और उसको सेलेक्टेड मूवी नेम देना है और आगे का काम वो फंक्शन करेगा। ठीक है, सो गाइज यू जो रिकमेंड फंक्शन होगा वो बहुत सिमिलर है जो हमने ऑलरेडी बिल्ड कर रखा है। सो मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना रहा हूँ रिकमेंड, इसको एक मूवी मिलेगा और इसके आगे का कोड इज क्वाइट सिमिलर टू दिस फंक्शन, बहुत ही सिमिलर है। सो आई विल कॉपी एंड आई विल पेस्ट इट ओवर हियर। ठीक है, यहाँ पर न्यू डीएफ के बदले आ जाएगा मूवीज, क्योंकि यहाँ पे हमारे डेटा फ्रेम का नाम मूवीज है, मूवीज। और ये मूवी तो मुझे मिल ही रहा है, ये सिमिलैरिटी मैट्रिक्स नहीं है मेरे पास, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वापस यहाँ जाना पड़ेगा और पिकल डंप करना पड़ेगा, पिकल डॉट डंप, और यहाँ पे हम लिखेंगे सिमिलैरिटी कॉमा ओपन, इसका नाम सिमिलैरिटी ही रख देते हैं, सिमिलैरिटी डॉट पीकेएल। इसको भी हम लोग राइट बाइनरी मोड में भेज रहे हैं। थोड़ी बड़ी फाइल होगी ये, यू कैन सी 185 MB की है, क्योंकि इसमें 4806 मल्टीप्लाइड बाय 4806 नंबर्स हैं। तो हम वापस जाएंगे इस फोल्डर में एंड विल टेक दिस फाइल एंड विल पेस्ट इट ओवर हियर। ये रही वो फाइल, और हम फिर से क्या करेंगे, इसके लिए भी एक इम्पोर्ट स्टेटमेंट लिख लेंगे। सो विल राइट सिमिलैरिटी इज इक्वल टू दिस एंटायर कोड, और यहाँ पे मूवी डिक्ट के बदले आ जाएगा सिमिलैरिटी। सो ठीक है यहाँ तक। अब हमें क्या करना है, हमें मूवी लिस्ट हमने निकाल ली है, तो हम मूवी लिस्ट के अंदर से एक वेरिएबल बनाते हैं, रिकमेंडेड अंडरस्कोर मूवीज बोल के, जिसको हम एम्प्टी रख रहे हैं, और रादर देन प्रिंट करने के हम रिकमेंडेड मूवीज में अपेंड करते जा रहे हैं सारी मूवीज का नाम, और यहाँ पे ऑब्वियसली न्यू डीएफ ना हो करके मूवीज आ जाएगा। और जब ये लूप खत्म हो जाएगा हम रिटर्न कर देंगे रिकमेंडेड मूवीज। सो इन शॉर्ट इस फंक्शन का काम क्या है कि अगर आप इसको एक मूवी देते हो, ये पलट के आपको 5 रिकमेंडेड मूवीज का नाम दे रही है। ठीक है, और अब हमें बस क्या करना है, यहाँ पे रिकमेंडेशंस बोल के एक वेरिएबल में स्टोर कर लेना है और फिर लिखना है फॉर आई इन रिकमेंडेशंस, हम हर बार एसटी डॉट राइट कर देंगे आई को। दैट्स द कोड गाइस, दैट्स द कोड, लेट्स सी ये काम कर रहा है कि नहीं। सो आई विल गो बैक, आई विल रन इट, लेट्स से अवतार का ही देखते हैं, ये रहा वो 5 मूवीज। कोई और मूवी देखते हैं, स्पेक्ट्रे जेम्स बॉन्ड की मूवी है, क्वांटम ऑफ सोलेस जेम्स बॉन्ड की मूवी है, स्काईफॉल, नेवर से नेवर अगेन, फ्रॉम रशिया विथ लव, ऑक्टोपसी, ये सारी जेम्स बॉन्ड की मूवीज है। सुपरमैन रिटर्न्स, सुपरमैन की मूवीज आ रही हैं। सो या दिस पार्ट इज डन गाइस, मूवीज का नाम आ रहा है। अब बस एक लास्ट काम बचा और वो ये है कि हमें मूवीज के पोस्टर्स भी चाहिए, मूवी का पोस्टर भी हमें चाहिए, वो हम नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करेंगे।
सो गाइज मूवीज का पोस्टर के लिए ये फ्लो रहेगा कि जब हम मूवीज रिकमेंड कर रहे होंगे तो हमें मूवीज लिस्ट में वो पांचों मूवीज मिल जा रही हैं, तो हम क्या करेंगे, हम सो अगर मैं वापस जाऊं एक बार यहां पर, तो हमें दो चीजें मिल रही थी। मतलब अगर मैं इसको सिर्फ आई को प्रिंट करूं यहाँ पे, अगर मैं सिर्फ आई को प्रिंट करूं तो हमें मूवी का आईडी मिल रहा था, ठीक है, मूवी का आईडी मिल रहा था जिससे हम मूवी का नाम फेच कर रहे थे बाय टाइटल। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम इस टाइटल से, एक्चुअली हम इस आईडी से पोस्टर फेच करेंगे। ठीक है, तो मैं एक काम कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे जा रहा हूँ और मूवी आईडी बोल करके एक नया वेरिएबल बना रहा हूँ विच विल बी आई। ये जो आई है, दिस इज आई, आई का जीरोथ आइटम, ठीक है, आई का जीरोथ आइटम इज द मूवी आईडी। अब मुझे क्या करना है, मुझे पोस्टर फेच करना है, फेच पोस्टर फ्रॉम, कहाँ से फेच होगा, एपीआई से। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप यहां पर जाते हो, थोड़ी देर के लिए मैं इसको नीचे लेके आ रहा हूँ। सो सबसे पहले आपको TMDB में लॉगिन करना पड़ेगा या आपको अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा, मेरा ऑलरेडी अकाउंट है। यहाँ पे आपको सेटिंग्स में जाना पड़ेगा, सेटिंग्स में आपको API की मिलता है, दिस इज माई API की, आप ये भी यूज कर सकते हो वैसे तो। और अब आपको जाना होगा TMDB API के अंदर। TMDB API में आपको बहुत सारे APIs मिल जाएंगे, उनमें से एक API है कि अगर आपके पास मूवी का ID है तो आपको मूवी के सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। जैसे अगर आप फाइंड मूवीज में जाते हो अगर, तो गेट डिटेल्स बोल के एक API है जहाँ पे अगर आप मूवी ID प्रोवाइड करो तो आपको मूवी का डिटेल्स मिलता है। सो अगर आप ट्राई इट आउट पे जाओ, दिस इज द API, अगर मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँ, ये मुझसे दो चीज़ें मांग रहा है, पहला मूवी ID, तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये मूवी आईडी डालता हूँ 65। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया 65 और मेरा API की क्या है, मेरा API की है ये, कॉपी पेस्ट, एंटर मारा, ये देखो ये JSON आ रहा है मेरे पास उस पर्टिकुलर मूवी का डिटेल्स के साथ। अगर आपको इसको अच्छे से देखना है तो आप किसी भी JSON व्यूअर में जा सकते हो, वहां पे आप इस कोड को पेस्ट करो, व्यूअर में जाओ, यहाँ पे उस मूवी का सारा डिटेल मिल जाएगा। सो इस मूवी का एक्चुअली नाम है टाइटल, जस्ट वन सेकेंड, इसको यहाँ लेके आते हैं, 8 Mile, 8 Mile कोई मूवी है, एक काम करते हैं 65 के बदले कोई और मूवी डालते हैं, 1363 डालते हैं। सो हमने डाला 1363, ये कोई दूसरी मूवी आई, कॉपी किया और टेक्स्ट में गए, इसको हटाया, पेस्ट किया, व्यूअर में गए, ये है मूवी द हाई लो कंट्री, कुछ वियर्ड रिकमेंडेशंस आ रहे हैं एक्चुअली, एक बार देखते हैं। पता नहीं कुछ गड़बड़ हुआ, लेट्स सी। एनीवेज ये मेरे पास डेटा आ तो रहा है, इस डेटा में एक्चुअली एक एट्रीब्यूट है पोस्टर पाथ बोल के, पोस्टर पाथ मुझे चाहिए। सो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सबसे पहले यहाँ पर एक फंक्शन लिखना पड़ेगा जिसका नाम होगा फेच पोस्टर, इसको आप एक मूवी आईडी दोगे और ये क्या करेगा, उस API पे हिट करेगा। अब API को हिट करने के लिए आपको एक लाइब्रेरी की जरूरत पड़ती है जिसका नाम होता है रिक्वेस्ट, ठीक है। अब रिक्वेस्ट्स पहले से इंस्टॉल्ड है या नहीं आई डोंट रिमेम्बर, हो सकता है कि जब हमने स्ट्रीमलेट इंस्टॉल किया हो तो बिहाइंड द सीन्स रिक्वेस्ट इंस्टॉल हो गया हो, आई डोंट नो। आपको उसके अंदर गेट मिलता है, गेट के अंदर आपको एक URL देना होता है और URL क्या होता है, URL ये होता है, कॉपी पेस्ट, दिस इज द URL और ऑब्वियसली यहाँ पे जो मूवी आईडी है इसके बदले आई विल पुट अ ब्रैकेट
और डॉट फॉर्मेट जो मूवी आईडी मुझे मिल रहा है, ठीक है, यहां से पलट के मुझे एक रिस्पॉन्स मिलेगा, उस रिस्पॉन्स को मैं कन्वर्ट कर दूंगा इनटू जेसॉन और इसको मैं डेटा के अंदर स्टोर कर लूंगा, दिस इज द डेटा। और अब मुझे रिटर्न करना है डेटा का, दिस इज द डेटा, दिस इज द डेटा, मुझे डेटा का चाहिए है पोस्टर पाथ, सो मैं यहाँ पे लिखूंगा पोस्टर पाथ, ठीक है, सो किसी भी मूवी का पोस्टर पाथ मुझे मिल जाएगा, बट दिस इज नॉट द कंप्लीट पाथ, दिस इज नॉट द कंप्लीट पाथ, ठीक है, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक्चुअली कंप्लीट पाथ कैसे मिलेगा, कंप्लीट पाथ मिलेगा मुझे बाय टाइपिंग दिस टीएमडीबी इमेज पाथ, ये है कंप्लीट पाथ, दिस इज द कंप्लीट पाथ, इसके आगे फिर इमेज लग जाएगा, सो लाइक दिस, ये कंप्लीट पोस्टर पाथ है, ठीक है। और मैं एक और काम करूंगा, यहां पर एक वेरिएबल और बनाऊंगा, रिकमेंडेड मूवीज पोस्टर्स बोल के, ये भी एक एम्प्टी लिस्ट होगा, और हम क्या करेंगे, हर बार मूवीज तो अपेंड करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ हम लोग फेच पोस्टर को कॉल करके आई का जीरो पास करेंगे, वहां से पलट के मुझे एक सिंगल पोस्टर मिलेगा, मैं उस पोस्टर को रिकमेंडेड मूवी पोस्टर्स में अपेंड करता जाऊंगा लाइक दिस। सो यहाँ पे दो काम हो रहे हैं, यहाँ पे एक्चुअली आई के जीरो के बदले मैं मूवी आईडी भी लिख सकता था, क्योंकि मैंने ये वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट कर रखा है, ये लाइन को मैं कट करके इसके नीचे लिख देता हूँ। सो हो क्या रहा है, हर बार मूवी लिस्ट में से मैं मूवीज का नाम निकाल करके इस लिस्ट में ऐड कर रहा हूँ, फिर मैं इस फंक्शन को कॉल करके उस मूवी का पोस्टर मंगा रहा हूँ और उसको इस वेरिएबल में डाल रहा हूँ, और मैं रिटर्न करते टाइम दोनों चीजें रिटर्न कर रहा हूँ, पोस्टर्स भी और मूवीज भी। सो यहाँ पे लिखता हूँ मैं नेम्स एंड पोस्टर्स, दोनों चीजें मेरे पास आ रही हैं, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगा, मुझे बस उनको डिस्प्ले करना है, तो डिस्प्ले करने के लिए हम यूज करेंगे लेआउट योर ऐप, यहाँ पर I will use this code. This is the code that I will use. So I will copy and I will paste it over here. थोड़ा सा मेहनत लगेगा, कॉपी पेस्ट पेस्ट, यहाँ पे आ जाएगा कॉलम टू, यहाँ पे आ जाएगा कॉलम थ्री। एक बार इस कोड को अगर हम रन करें, रिकमेंड पोस्टर पाथ एरर है, एरर है इस जगह पे, और एरर इसलिए है क्योंकि हमें घुसना है, एक काम करते हैं, पता नहीं गाइस व्हाट दैट एरर वाज, अपने आप आया, अपने आप चला गया। सो अगर मैं कोई भी मूवी सेलेक्ट कर रहा हूँ, रिकमेंड पे क्लिक कर रहा हूँ, तो फिर से आ गया, वियर्ड यार। What I will do is I'll just run it one more time. Control C, Streamlit, run app.py. एक बार रन कर रहे हैं फिर से इस कोड को, देखते हैं अगर एरर आता है तो रिजॉल्व करते हैं। Recommend poster path. Tangled
पोस्टर पाथ कुछ एरर तो है, लेट्स रिजॉल्व दिस. अगर हम यहाँ पे प्रिंट करें डेटा को जस्ट टू सी कि डेटा के अंदर क्या है, तो अगर मैं वापस जाऊं और अगर मैं इसको रीरन करूं और स्पाइडरमैन 3, तो अब ये एरर नहीं आ रहा है, विच इज़ वियर्ड कि प्रिंट करने से एरर चला गया. वियर्ड है, चलो ठीक है, कोई नहीं, एक बार देखते हैं. मीनवाइल हमें टोटल 5 वैल्यूज चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉलम 4, कॉलम 5, बीटा कॉलम्स हमें 5 चाहिए, और दैट इज वाई इस कोड को हम रिपीट करेंगे. कॉपी, पेस्ट, पेस्ट, यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा 5. ठीक है, अब मुझे यहाँ पे नाम चाहिए और यहाँ पे पोस्टर चाहिए, तो मैं लिखूंगा नेम्स का 0, पहला मूवी का नाम आ जाएगा, पोस्टर्स का जीरो, एंड आई विल जस्ट कॉपी पेस्ट लाइक दिस. मैं लूप में भी कर सकता था वैसे काम, अब मैं रियलाइज कर रहा हूं, बट ठीक है, 5 बार करना था, कोई बात नहीं. 3, 4, सिमिलरली आई विल कॉपी दिस एंड आई विल रिमूव दीज एड्रेसेस, उसके बदले हमारा पोस्टर आ जाएगा. यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4. सो या दिस इज द कोड, एक बार इसको रन करते हैं. रिकमेंड पोस्टर पाथ, दिस एरर इज रियली इरिटेटिंग, एक बार इसको रिजॉल्व करना बहुत जरूरी है. सो गाइज, इस एरर को बैक ट्रैक करना पड़ेगा. एक तरीका ये है कि ये जो भी डेटा आ रहा है हम इसको प्रिंट करके देख सकते हैं. लेट्स प्रिंट द डेटा, क्या डेटा है. ठीक है, सो अगर मैं वापस जाऊं और इसको रीलोड करूं और एवतार के लिए मैं रिकमेंड पे क्लिक करूं, तो दिस इज द डेटा एंड इट सेज कि ये मूवी मिला नहीं एपीआई के ऊपर. अगर हम st.txt करें, ये पूरा URL कि URL में क्या है, तो शायद कुछ समझ में आ जाए. वापस जा रहे हैं, रीलोड कर रहे हैं, एवतार के लिए रिकमेंड कर रहे हैं, दिस इज द एंटायर API. और अगर मैं इसको कॉपी करूं और यहां पे हिट करूं, इसीलिए एरर आ रहा है. बोल रहा है 1216 नाम से कोई मूवी नहीं है. अगर मैं अपने मूवीज वाले में घुसूं यहाँ पे, जैसे कि ये मूवी है 1995, सो अगर मैं यहाँ पे जाऊं और टाइप करूं 1995, तो रिजल्ट आ रहा है. मतलब API तो चल रहा है, कुछ और एरर हो रहा है. एरर, ओके, गॉट इट. एरर ये है कि ओह शिट, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग मूवी ID जो है वो ये मान ले रहे हैं, हम इसको मूवी ID मान ले रहे हैं, जबकि मूवी ID तो ये है. दैट्स अ बिग एरर. हमें क्या करना पड़ेगा, मूवी ID विल बी इक्वल टू movie.iloc, ये पूरा कोड कॉपी करना पड़ेगा, यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा, और टाइटल के बदले हमें देना पड़ेगा ये वाला कॉलम, मूवी ID कॉलम. This is movie ID. This is the movie ID जो हमें भेजना है पोस्टर में. Okay. देखते हैं अब काम कर रहा है कि नहीं. इसीलिए कुछ weird results आ रहे थे. So ये रहा हमारा app, run करते हैं. Recommend
सब कुछ प्रिंट होने लग गया और रिजल्ट्स भी आने लग गए, सही है। सो एक काम कर रहा हूँ मैं, सबसे पहले तो ये जो दो चीज़ें मैं प्रिंट कर रहा था इन दोनों को मैं वापस हटा रहा हूँ, और एक चीज़ और, जहाँ जहाँ पे हेडर लिखा है उसके बदले में आई विल हैव टेक्स्ट, टेक्स्ट छोटा होता है, कॉपी पेस्ट 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 एंड पेस्ट। चलो अब हमारा रिकमेंडेड सिस्टम इज रेडी, लेट्स सी हैरी पॉटर के लिए, हैरी पॉटर एंड फिलोसोफर्स स्टोन रिकमेंड। इतना बढ़िया तो नहीं आ रहा, कमिंग आउट टू बी हैरी पॉटर का एक ही मूवी, और यहाँ पर अगर हम टाइप करें बैटमैन, बैटमैन बिगिंस रिकमेंड, डार्क नाइट, डार्क नाइट राइजेस, टेंथ एंड वुल्फ, बैटमैन एंड ऑल, अगर हम टाइप करें स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन तो स्पाइडरमैन थ्री, स्पाइडरमैन टू। सो ठीक है, मतलब आई गेस अच्छा है, थोड़े वेरिएशंस भी आ रहे हैं। एक बार सुपरमैन देखते हैं, सुपरमैन या इट्स फाइन एक्चुअली, अवेंजर्स देखते हैं, अवेंजर्स Iron Man 3, Avenger, Iron Man. I guess this is fine. एक दो जगहों पे हम इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं, we'll have to see that. But again, that can be done in a separate video. इस वीडियो में तो नहीं हो पाएगा, it's already a big video. तो yeah guys, that's it. एक दो और हम लोग चेक कर सकते हैं, जैसे Pirates of the Caribbean. Pirates of the Caribbean का ही आ रहा है, ठीक है, मतलब it's working fine, कोई problem नहीं है। So yeah guys, that's it. This is our content-based recommender system. अब बस एक last काम बच गया कि हमें इसको deploy करना है, ठीक है, इसको Heroku के ऊपर हमें deploy करना है, and that would be the end of this project, ठीक है। I would recommend you कि आप अभी तक का जो flow है इसमें थोड़े से और changes वगैरह करके देखो, जहाँ पे भी आपको logical लग रहा है हो सकता है आपको थोड़े बेटर रिजल्ट्स मिलने लग जाए। थोड़ा हैरी पॉटर वाले रिजल्ट में थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ, बट बाकी सारे रिजल्ट्स सही आ रहे हैं। इन अ वे आप ऐसा भी बोल सकते हो, अच्छा है, मतलब थोड़े से डिफरेंट टाइप के भी रिजल्ट्स आ रहे हैं। सो या फाइन, तो एक काम करते हैं, अब इसको सर्वर पे डिप्लॉय करते हैं, ठीक है। सो दैट वुड बी द लास्ट स्टेप। सो गाइस, डिप्लॉयमेंट, आई एम सॉरी, डिप्लॉयमेंट के प्रोसेस में आपको चार फाइल्स बनानी पड़ेंगी। सबसे पहली फाइल जो है वो है proc file, ठीक है, एक फाइल बनानी है जिसका नाम होगा proc file, और उसके अंदर आप ये कोड लिखते हो, दिस इज द कोड। सो बेसिकली आप Heroku के सर्वर पे कमांड रन कर रहे हो, आपको अपना स्ट्रीमलेट ऐप रन करने के लिए ये कमांड रन करना पड़ता है, और एक setup.sh फाइल भी आपको बनानी पड़ती है, मैं वो भी आपको बना के दिखाता हूँ। एक फाइल आपको बनानी है जिसका नाम होगा setup.sh, ये बैच फाइल है जिसमें कुछ OS रिलेटेड कमांड्स हैं, इतने कमांड्स आपको यहाँ पे रन करने हैं सर्वर के ऊपर। बेसिकली आप डायरेक्टरीज वगैरह बना रहे हो अपने पूरे इस सेटअप के लिए, ठीक है। और जो थर्ड फाइल आपको बनानी है वो है आपकी गिट इग्नोर फाइल, git ignore फाइल, जिसमें आपको बस लिख देना है आपको अपना वर्चुअल एनवायरनमेंट वाला फोल्डर को इग्नोर करना है, उसको अपलोड नहीं करना, ठीक है। और जो एक लास्ट फाइल है वो आप जनरेट करते हो, बेसिकली अ लिस्ट ऑफ ऑल द लाइब्रेरीज विच आर रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोजेक्ट टू रन ऑन द सर्वर, ठीक है। Heroku पे कौन कौन सी लाइब्रेरीज इंस्टॉल करनी है उसका लिस्ट आप ये कमांड से निकालोगे, pip freeze requirements.txt, ठीक है। जैसे आप इस कोड को रन करोगे यहाँ पर आपको एक फाइल मिल जाएगी requirements.txt, जिसमें उन सारी लाइब्रेरीज का नाम है जो आपको सर्वर पे इंस्टॉल करवानी है, ठीक है, जैसे कि रिक्वेस्ट है, स्ट्रीमलेट है,
अब आप सोच रहे हो कि आपने तो बहुत कम लाइब्रेरीज यूज की हैं, फिर इतनी सारी लाइब्रेरीज कहाँ से आ गई? एक्चुअली ये डिपेंडेंसीज हैं। स्ट्रीमलीट को अपना काम करने के लिए और बहुत सारी लाइब्रेरीज की जरूरत पड़ती है, तो आपको वो सब भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो या वी आर रेडी नाउ। व्हाट वी विल डू इज विल गो टू हेरोकू, विल गो टू हेरोकू, और हेरोकू में आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। मेरा ऑलरेडी है, मैं लॉग इन कर रहा हूँ। सो लॉग इन किया, अब यहां पे आपको सबसे पहले एक नया ऐप बनाना पड़ेगा। सो यू विल क्लिक ऑन क्रिएट न्यू ऐप। इस ऐप का नाम रख सकते हैं हम लोग मूवी रिकमेंडर सिस्टम कैंपस एक्स। ये नाम अवेलेबल है, सो मैं इस नाम से एक ऐप बना रहा हूं। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले ये डाउनलोड करना है हेरोकू सीएलआई कमांड लाइन इंटरफेस। मैं आपको दिखाता हूँ। आपको बेसिकली It's not working. इस पे क्लिक किया, हाँ यहाँ से अगर आप चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर आपका विंडोज है तो ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना, बस उतना ही करना है। उसके बाद आपको लाइन से ये सारे कमांड्स रन करने हैं। ठीक है, तो एक एक करके मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आपको हेरोकू लॉग इन करना है। सो आई विल गो बैक और यहाँ पे आई वुड टाइप हेरोकू लॉग इन। सो यहाँ पे मुझे कोई भी की प्रेस करना है, ये मुझे ऑथेंटिकेट करेगा। हाँ ये मुझे ऑथेंटिकेट करने को बोल रहा है। मैंने लॉगिन पे क्लिक किया और मैं लॉगिन हो गया। यहाँ पर यू कैन सी मेरा ईमेल आईडी आ गया यहाँ पे। ठीक है, सेकंड स्टेप में मुझे क्या करना है, सेकंड स्टेप में मैं आगे की ये दोनों टैब्स बंद कर रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेप में मुझे अपने प्रोजेक्ट में एक गिट रेपोजिटरी इनिशियलाइज करनी है। सो आई वुड राइट गिट इनिट। रेपोजिटरी इनिशियलाइज हो गई, उसके बाद मुझे ये कोड रन करना है। सो आई विल कॉपी एंड आई वुड पेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट मुझे गिट ऐड करनी है सारी फाइल्स को। सो मैं लिख रहा हूँ गिट ऐड डॉट, सारी जो भी फाइल्स हैं वो ऐड हो जाएंगी, क्यू में आ जाएंगी पुश होने के लिए। नेक्स्ट इज गिट कमिट, यहाँ पे हम लिख सकते हैं गिट कमिट हमारा कमांड है। एक मैसेज डाल सकते हैं फर्स्ट डिप्लॉयमेंट, सारी फाइल्स का लिस्ट आ गया जो भी फाइल्स मुझे अपलोड करनी है। ये सारी फाइल्स मुझे अपलोड करनी है और उसके बाद लास्ट है गिट पुश हेरोकू मास्टर। दिस इज द लास्ट कमांड, गिट पुश हेरोकू मास्टर और दैट्स इट। अब ये अपलोड होगा, वेट करना पड़ेगा। सो या गाइस नहीं हुआ इस सेटअप के साथ, इट फेल्ड। ठीक है, सो मैंने फिर वीडियो पॉज करके काफ़ी देर रिसर्च किया एंड इट टुक मी ऑलमोस्ट 1 आवर। और द सॉल्यूशन इज़ वेरी सिंपल एक्चुअली, कि आपको आपका जो रिक्वायरमेंट्स डॉट txt फाइल है जिसमें इतनी सारी डिपेंडेंसीज हैं, इन सब के बदले सिर्फ ये लिखना है स्ट्रीमलेट एंड रिक्वेस्ट, जो दो मॉड्यूल्स हम यूज़ कर रहे थे बस उनका नाम। हेरोकू ऑटोमेटिकली कौन सा वर्जन अपलोड इंस्टॉल करना है सर्वर पे वो देख लेगा, हमें वो बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसा हम यहाँ पे बता रहे थे कि हमें ये वर्जन चाहिए, अब हम वैसा नहीं कर रहे हैं। व्हाट वी वांट जस्ट दीज टू लाइंस। ठीक है, सो मैं क्या कर रहा हूँ, लफड़ा ना हो इसलिए पूरा प्रोसेस एक बार मैं आपको रिपीट करके दिखाता हूँ। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल डिलीट दिस ऐप। ये ऐप को मैं एक बार डिलीट कर रहा हूँ और फिर से क्रिएट कर रहा हूँ। सो इसका नाम है MRS कैंपस एक्स। ठीक है, क्रिएट ऐप। स्टेप्स को बस रिपीट करना है, कुछ बड़ी बात नहीं हुई है। सबसे पहले हेरोकू लॉग इन करना है मुझे, टर्मिनल हेरोकू लॉग इन, ई लॉग इन करवाएगा मुझसे। ये मैंने कर लिया लॉगिन। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें बस ये चीजें लाइन से रन करते जाना है। गेट इनिट कॉप
कॉपी पेस्ट गिट एड गिट कमिट एंड लास्टली गिट पुश हेरोकु मास्टर कॉपी पेस्ट और अब बस थोड़ी देर वेट करना है होपफुली अब हो जाएगा ये एंड यू कैन सी गाइज हमारा वेबसाइट डिप्लॉय हो चुका है दिस इज द लिंक मैं क्लिक कर रहा हूँ इसके ऊपर थोड़ा टाइम लगता है लोड होने में फर्स्ट टाइम स्पेशली बिकॉज फ्री अकाउंट पे है और ये रहा गाइज हमारा मूवी रिकमेंडर सिस्टम एवतार के लिए क्लिक किया दीज आर द रिकमेंडेशंस स्पाइडरमैन के लिए क्लिक किया दीज आर द रिकमेंडेशन द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया के लिए क्लिक किया पता नहीं क्यों टाइम लगा बट या हैरी पॉटर भी आ रहा है सो या दैट्स इट दैट्स द प्रोजेक्ट गाइस मैं ये सारे लिंक्स आपके साथ शेयर कर दूंगा सारे कोड्स और ये जो वेबसाइट अपलोड हुआ है अब आपका काम है कि आप कोई डिफरेंट डेटा सेट लो सॉन्ग्स का या फिर बुक्स का या कोई भी और डेटा सेट लो और उसके ऊपर ये सेम चीज अप्लाई करो एंड टू एंड इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करो और अपने पोर्टफोलियो में ऐड करो ट्रस्ट मी अगर आपको ये प्रोजेक्ट एंड टू एंड करना आता है आपको एक एज मिलेगा इंटरव्यूज में ठीक है प्लस आपको कॉन्फिडेंस तो मिलता ही है जब भी आप कुछ प्रोजेक्ट्स बनाते हो तो ठीक है तो आई होप मैंने आपको एंड टू एंड पूरा प्रोजेक्ट बनाना सिखा पाया मैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आया गाइस तो प्लीज़ इसको थोड़ा शेयर करो इट वुड रियली मोटिवेट मी टू डू मोर सच वीडियोज इन फ्यूचर ठीक है सो दैट्स इट थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय